कुछ कुछ बातें मैं आपको स्पार्क प्लग में बताऊंगा, वो ध्यान रखोगे आप, ठीक है? स्पार्क प्लग हम लोग के टॉपिक में नहीं आता, बट इनडायरेक्टली वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दो तीन टॉपिक मैं बता देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट खुद ले लेता हूँ, मैं मार्क करके, वो आप थोड़ा सा देख लेना एक बार, अगर आपको टाइम मिले देन, नहीं टाइम मिले नहीं देखना, कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले जो दिया गया आपके पास प्रीवियस ईयर है उसको आप पढ़ जाओ, अभी नहीं पढ़े हो तो उसे दो बार तीन बार पढ़ लो, जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर पेपर नहीं बन पाएगा आपसे सिंपली, क्योंकि प्रीवियस नहीं बनेगा तो सिंपली आपकी प्रिपरेशन वीक है, तो आपको उसको रट लेना है। और लास्ट टाइम में केवल आपकी प्रीवियस ईयर ही हेल्प कर सकती है, अदर देन कोई भी पीडीएफ पे आप ना जाओ जो प्रीवियस ईयर से रिलेट नहीं करता है, वो हमेशा आपको डिस्ट्रॉय करने वाला है, ठीक है ना? तो इससे बचना जरूरी है। थोड़ा ये भी होता है ना कि क्या है कि मैं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं दूसरों को, है ना, कि सामने वाला जो बोल रहा होता है, तो थोड़ा सा ये भी मन में रहता है कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ क्या मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, है ना? आप खुद से सोचो, किसी को मत फॉलो करो, किसी की ना बातें सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन क्या कह रहा है, आप खुद सोच के देखो कि आते कहाँ से। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो ना, आप पेपर दे रहे हो, आप खुद समझ के देखो कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी बातें कितनी परसेंट सही है आपके लिए, आप सही समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात, कि आप इधर उधर की पीडीएफ करके जाते हो क्या कभी प्रॉफिटेबल में होता है कि नहीं होता है, आपकी बुक की लाइनिंग आपको यही लगता है कि सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बुक से बट मेरे से नहीं बन पाया था, आपको रियलाइज होता है। तो इसी वजह से हम लोग बुक के थ्रू जाते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जब आप रिसेंट में बुक के थ्रू जाते हो ना तभी आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि डीसीए क्या करता है, वो बुक वाली लाइन ही कॉपी करके देने वाला है, उसमें क्वेश्चन कुछ भी इधर उधर तो करेगा नहीं, जस्ट बुक से क्वेश्चन उठाती है, तो वही आपकी हेल्प करता है, ठीक है? हाँ, ये बुक वाली लाइन आप जब पढ़ के ही जाते हो ना तो आपको पता चलता है कि हाँ ये बुक से लाइन है और यहीं से क्वेश्चन आया बेसिक सा। इसलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट टाइम इज द बुक जरूरी है ना लास्ट टाइम में, क्योंकि आपकी बुक की लाइन नहीं पता होती है तो एग्जाम में कन्फ्यूज होते हो, क्योंकि आप इधर उधर के केवल क्वेश्चन कर रहे होते हो, अब वो क्वेश्चन से प्रॉफिट नहीं मिलता। सिंपली इसलिए मैं बोलता हूँ कि अवॉइड, कोई भी चीज है उसे अवॉइड करो, सिंपली आप बुक देखते हो एंड देन क्वेश्चन बैंक देखते हो प्रीवियस ईयर, ओनली प्रीवियस ईयर और कुछ भी नहीं देखना है सिंपली। इसलिए मैं इस पे आपको फोकस भी करने को बोलता हूँ बार बार। स्पार्क प्लग से क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है? मेरे पेपर में था, ठीक है? बहुत रैंडम पूछा था, स्पार्क प्लग से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट मेरे पेपर में फर्स्ट टाइम पूछा था स्पार्क प्लग से। ये क्या पूछा था कि स्पार्क प्लग जो इग्नाइट करता है वो किस तरह का इग्निशन होता है, तो शॉर्ट इम्पल्स हाई वोल्टेज करंट होती है ना, कंबसन चैम्बर वॉल्व के पास तो होती है सिंपली, ये वाला लाइन था आंसर था शॉर्ट इम्पल्स। मेरे से पूछा कि सर आपका सही हुआ था? नहीं, मेरा सही नहीं हुआ था, मैंने गलत टिक किया था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो आंसर आपको सबसे गलत लग रहा होता है ना वही आंसर सही होता है डीसीए का, मैंने ये महसूस किया अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है ना, इमेजिनेशन। तो मैं कनेक्ट कैसे करता हूँ, ऐसे में तुक्के करके आंसर में, मतलब तुक्के में हम लोग टिक करते हैं ना परसेप्शन पे, लेकिन ऐसे बस नहीं टिक करते ना, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ टॉपिक सोच के टिक करते हैं। तो मैं किस पे किससे कनेक्ट कर रहा था इस वाले आंसर को कनेक्ट कर रहा था उस पे, किस पे? इग्नाइटर में। तो इग्नाइटर से मैं कनेक्ट कर रहा था कि इग्नाइटर प्लग में क्या होता है कि वहां पे लो वोल्टेज होती है, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज हो सकती है, ये वाला सही था, बट हमने शॉर्ट इम्पल्स नहीं किया, हमने कहा कि वहां पे लो वोल्टेज होती है और इम्पल्स अच्छा होता है, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, और जस्ट मैंने बस ये वोल्टेज को देख के टिक मार दिया कि वहां पे लो वोल्टेज होती है तो यहाँ पे हाई वोल्टेज होती है, बट ये शॉर्ट इम्पल्स नहीं देखा कि वहां पे तो हमारा इम्पल्स बहुत तेजी से आती है, ठीक है, बट यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे इम्पल्स आपका शॉर्ट में है, तो मैंने ये इम्पल्स नहीं देखा, तो मैंने क्या टिक कर दिया आंसर में, लॉन्ग आपका इम्पल्स एंड हाई वोल्टेज, मैंने इस पे टिक कर दिया ये वाला क्वेश्चन। तो अगर मैंने थोड़ा सा और सोचा होता कि मैं उससे जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का क्या होता है स्पार्क प्लग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है उससे, वहां पे जो हो रहा है जस्ट उसका अपोजिट है, अगर मैं ये दोनों पॉइंट कनेक्ट कर पाया होता थोड़ा सा धैर्य रखे पेशेंस के साथ में, तो शायद मेरा ये क्वेश्चन बन जाता कि हाँ वहाँ लो वोल्टेज है, हाई इम्पल्स है, यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा, लो इम्पल्स होगा, सिंपल मेरा आंसर सही हो गया होता, परसेप्शन मेरा सही बन जाता, बट नहीं, कनेक्ट किया बट उतना श्योर कनेक्ट नहीं हुआ, आंसर गलत था मेरा, ठीक है?
ये वाला है, तो थोड़ा बहुत ऐसे आप थिंक करते हो, मीन लॉजिकली आप थिंक करते हो, बस ऐसे तुक्के मार के नहीं आ जाना है कि कुछ भी हवा में फेंक देना है तीर, ऐसे करके नहीं आना, ठीक है? तो श्योरली कुछ लग सकते हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि डीजीसीए में क्वेश्चंस में मेरे अकॉर्डिंग मैं जब भी क्रॉस कनेक्ट करता हूँ किसी भी टॉपिक से, मैंने खुद महसूस किया है कि डीसीए के क्वेश्चन सही नहीं बनते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होता है, मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है, दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं मुझे मिला जिस टॉपिक पे मैंने टिक किया, ठीक है? मैंने ये महसूस किया, तो मैं हमेशा अपने कॉन्फिडेंस से ही पास हो जाता हूँ, मीन्स अपने प्रिपरेशन से ही पास हुआ, मैंने तुक्के सब पास नहीं हुआ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुक्के हेल्प नहीं करते ज्यादा, इसलिए बड़े पेपर्स में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, छोटे पेपर्स में तो एक दो बहुत सही हो गए तो ठीक है निकल जाते हैं, बड़े पेपर्स में कभी नहीं पास हो पाओगे, ठीक है ना? और ऐसे पेपर्स जो आपके लॉजिकल है, 14 पता है यहाँ पे 14 चार चार बार लोगों ने दिया है, पांच बार बाद दिया है, बट फिर भी नहीं निकलता इन लोगों से, वो लोग हमेशा बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं 14 को, फिर भी नहीं निकल रहा, वो घूम ही रहे हैं, है ना? एक लोग है चौथी बार अटेम्प्ट कर 14, क्या ही करो, उसने कई बार अटेम्प्ट कर चुका है 2 से 3 बार, फिर भी नहीं निकल रहा। इसके टॉपिक्स देखोगे, और ये जो स्पार्क प्लग ऑपरेट होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रिकल प्रेशर होती है वेरी हाई, सिलिंड्रिकल प्रेशर है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, है ना? और ना ही इनसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, ये वाला टॉपिक्स, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हो, ये वाला पॉइंट देख लेते हो, हम लोग आसपास के कुछ कुछ पॉइंट्स आप देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, कंपोनेंट के बारे में आपसे पूछ सकता है कि स्पार्क प्लग के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्योंकि आप इग्नाइटर के पढ़ते हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा याद रखते हो कि इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है, एक इंसुलेटर होता है, आउटर सेल होती है ना? तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट में कर लेता हूँ, ये पॉइंट भेज दूंगा, आप जस्ट इसमें ये दो तीन पॉइंट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप एक बार देख लेना, नजर देख लेना, बट देखो श्योर हूँ मैं, अपने हिसाब से श्योर हूँ एकदम कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि रैंडम होता है डीसीए का क्वेश्चन, स्पार्क प्लग एंड आपके मैग्नेटो से, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते वो कहाँ से आएगा, बट मे बी अगर यहाँ से आ गया तो आपके लिए सही है। मेंटेनेंस इज बेटर व्हेन इग्निशन लीड्स, अभी ये नहीं करना है, एक क्वेश्चन था हम लोग के मैग्नेटो से, उसका रेफरेंस नहीं मिला बिल्कुल, ठीक है ना? उसका जल्दी रेफरेंस मिलता भी नहीं है मैग्नेटो का, जिस तरह से वो क्वेश्चन उठा रहे होते हैं, ठीक है? तो कुछ जो प्रीवियस ईयर हैं उनके रेफरेंस हैं, मीन्स वो तो मार्क किया गया है, बट मेरे पेपर में जो था ना उसका रेफरेंस एक लड़के ने दिया था, ठीक है? अब वो जो रेफरेंस था उसमें तो वो एक्चुअली पॉइंट थी, बट अगर आप ओल्ड फा ये वाली बुक देखते हो तो इसमें वो रेफरेंस नहीं लगता, यहाँ पे कुछ अलग ही लगाया था, क्वेश्चन आया था इससे, इग्निशन स्विच चेक, इग्निशन मैग्नेटो, इग्निशन ऑफ मैग्नेटो चेक ऐसे लिखा था, इग्निशन चेक ऑफ मैग्नेटो ऐसे था, चेक ऑफ मैग्नेटो मैग्नेटो इस तरह से था। अब देखो इग्निशन चेक ऑफ मैग्नेटो था, अब इग्निशन स्विच का था, किसका था, ये सब कुछ पॉइंट नहीं था, तो उसमें काफी सारे ऑप्शंस थे कि इग्निशन स्विच चेक होगा, है ना? और मैंने पॉइंट मेंशन किया है, मैं आपको बताऊंगा, और मेरे पेपर में है, मुझे अभी जस्ट याद नहीं आ रहा है कौन कौन से थे, 2-3 पॉइंट थे, यहाँ पे लिखता है, हाँ यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इग्निशन सिस्टम हैज चेकअप ड्यूरिंग एयरक्राफ्ट रनअप, ये रनअप वाला ऑप्शन था, है ना? अब मैग्नेटो यहाँ पे लिखा ना, मैग्नेटो चेक एज यूजुअली रिफर टू परफॉर्म ड्यूरिंग इंजन रनअप चेकलिस्ट, तो मैं तो उसमें लिखा था ना कि इग्निशन चेक ऑफ मैग्नेटो, तो मुझे लगा कि जस्ट वो यहीं से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपका क्वेश्चन जो आ रहा होता है मैग्नेटो के, वो ओल्ड फा ही उठाता है, ओल्ड फा जो 14 के क्वेश्चन होते हैं ओल्ड फा उठाता है, मीन्स ये जो फा की बुक है यहीं से उठाता है, तो मुझे एकदम लगा कि देखो वो क्वेश्चन यही था, रनअप चेक लिस्ट पे ही आपको टिक करना था मैग्नेटो चेक, बट एक लड़के ने पता नहीं कहाँ से रेफरेंस दिया था, ठीक है? और जो मैंने चेक किया था मेरे अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन ये गलत था मैग्नेटो का ना, मीन्स इस बुक के अकॉर्डिंग, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग,
बट मेरे पास जिसने रेफरेंस भेजा था वो भी क्वेश्चन सही था। अब वो लड़का मेरे से वो बोल रहा था कि नहीं देखो ये वाला रेफरेंस, मैंने रेफरेंस कई बार उसने पूछ मैंने पूछा भी कि ये कहाँ से रेफरेंस लाया था, उन किसी ग्रुप से निकाला था, बट पता नहीं क्या वो सही था कि नहीं था, किस बुक का लाइन था वो, बट उसमें वो जो लाइन थी वो भी सही थी। तो फिर मेरे को श्योर नहीं हो रहा था कि अभी क्या है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट लाइनिंग थी, यहाँ पे एग्जैक्ट लाइनिंग थी नहीं थी, यहाँ पे बस मैग्नेटो चेक के बारे में था, बट क्वेश्चन मैग्नेटो चेक नहीं लिखा था, उसमें लिखा था इग्निशन इग्निशन ऑफ मैग्नेटो चेक, ऐसे था। तो मुझे श्योर नहीं हो रहा था कि इग्निशन ऑफ मैग्नेटो चेक पूरी अलग है या डिफरेंट है, तो हम लोगों ने ज्यादा बातें नहीं करी। तो ये दो क्वेश्चंस थे मेरे जो गलत हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है, कि जैसे मुझे लगा कि मैंने जो तो तुक्के मारे थे या फिर आप समझो जो भी किया था अब वो मेरा गलत था, सही नहीं था। तो मुझे लगा कि अरे इसमें उतना नहीं है, प्रॉब्लम ही है, इन सब बनाने वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत रैंडम करके आ रहे हैं, तो कंफर्म है इधर क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, अगर हम बहुत ज्यादा पूरा इसके लिए पूरे टॉपिक्स के रटना पड़ेगा तो उतना हमको नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास अदर्स टॉपिक्स है, हमें उनको क्लियर करना है, उनसे मुझे पास होना है, सिंपल। अदर चेक यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन शटडाउन पे करते हैं, इग्निशन सिस्टम चेक देखो, तो हर एक अलग अलग बात है, अगर मैग्नेटो चेक कह रहा है तो हम रनअप कर रहे हैं, इग्निशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो चेक कर रहे हैं मैग्नेटोस को चेक कर रहे हैं, और अब देखो ये वाला क्वेश्चन था स्पार्क प्लग को चेक कर रहे हैं, हार्नेसेस को चेक कर रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से ये पॉइंट अलग मिल जाती है आपको। ये दो तीन पॉइंट हम लोग देखेंगे, जिसको मैं स्क्रीनशॉट करता हूँ और आपको भेजूंगा, आप इनको देख लेना। चलो जैसे ही जी प्रश्न ठीक है, दो तीन पॉइंट है हम लोगों ने देखा, अभी हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं, तो मैं इसको भेज दूंगा आपको, एक फायरिंग ऑर्डर करके भी आता है, तो वो क्वेश्चन मेंशन किया है आपने पढ़ा होगा तो मिला भी होगा, मैग्नीटो फायरिंग ऑर्डर ऐसा कुछ मिला है। काम कर रहा हूँ ये भी बता दो तबीयत जा रही है हम वाइस आ रही मेरी, हेलो यस सर। बच्चे थे तो जिंदगी बड़ी मस्त थी ठीक है, बड़े हो गए बेवजह का लगता था 12th में कि बड़े हो जाएंगे पढ़ लेंगे कुछ अच्छा सा ठीक है, और उसके बाद तो फिर बहुत मजे रहने वाले, मीन्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ऐसा कुछ, फिर तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है। ये नहीं पता था कि बड़े होने पे जिम्मेदारियां भी हैं और प्रेशर, जिंदगी भर सहना है जब तक जिंदा रहना है, ये नहीं पता था, और ये सब महसूस भी नहीं होता था कि चलो ठीक है ये आने वाली है। फिर बाद में पता चला कि अभी तो जो 40 साल 50 साल जिंदगी है उसमें चाहो तो खुश रह सकते हो और चाहो तो दुखी रह सकते हो, डिपेंड ऑन योर थॉट्स, या तो खुश रह सकते हैं या तो दुखी रह सकते हो, है ना, ऐसा चलता रहता है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, हेलो यस सर।
तो हम लोग पहले टॉपिक वाइज कर लेंगे, ठीक है, और देन हम लोग जो टॉपिक्स होंगे उनको हम लोग देख लेंगे। एक बार देख लेता हूँ मुझे इसमें अपडेट हुआ कि नहीं, जो क्वेश्चन मैंने अपडेट किया है अभी। आप गैस टरबाइन भी नहीं देखोगे ना, जस्ट यहाँ पे जो मैंने टॉपिक सारा मेंशन कर दिया है, ठीक है ना, तो गैस टरबाइन देखने की जरूरत नहीं है ना। सारा टॉपिक फा के भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। बट कुछ कुछ जैसे कि टरबाइन असेंबली वगैरह के टॉपिक्स, कुछ कुछ बेसिक टॉपिक आप चाहो तो देख सकते हो फा की, जिसमें मैंने आपको मार्क कराया था, बट सारा देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ये पीडीएफ तैयार करना है, ये पीडीएफ तैयार है तो आपको जो मन करे वो करना है। मीन्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो ना। तो उसके बाद अगर अगर ये पीडीएफ तैयार है आपका, आपको जैसा मन कर रहा है वो करो, है ना, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। तो पहले आप ये वाला पीडीएफ प्रिपेयर कर लो, उसके बाद जो सही लगे आप करो बेफिक्र होके। ये 16 ही है क्या पूरा? 9 3 16, इनको मैं रिमूव कर दूं। ये ऑन डिमांड का पेपर है तो पहले हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं कि क्या चीज है। इसमें कुछ मैग्नेटो के टॉपिक्स आए हैं क्या? चलो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देखना। फर्स्ट वाला है बैलेंसिंग फॉर पोटेंशियोमीटर इन फिल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम, है ना, द पार्ट ऑफ टैंक सर्किट जो पोटेंशियोमीटर होती है फिल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम। अब देखो इसको चेक करना है, कहाँ पे चेक करोगे? ये जस्ट एक नया क्वेश्चन पूछा है, तो इसको कहाँ चेक करोगे आप? ये चीजें से चेक करोगे। तो पहले मैं इसे बोल्ड करके छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। इसको ये अच्छे से चेक करेंगे ये क्या है, फिल जो भी फिल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम आपको पढ़ाया है अच्छे में वहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। तो अभी इसको देखना है। बी वाला कलर बता सकते हो एसी का कौन सा होता है? ग्रीन होता है, बीजी याद रखना, बीजी, ठीक है। तो आपको पता होगा बी से ब्लू कभी मत याद रखना, ये समझ के रखना कि ब्लू तो नहीं होगा। येलो किसका होता है? थर्मोकपल, ठीक है। एंड ब्लू किसका होता है? ए का। अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन है नॉन ईसी एंड थर्मोकपल वायरिंग कलर, तो लिखा है ना ग्रे एंड येलो, यही होता है। नॉन ईसी का ग्रे होता है, थर्मोकपल का येलो होती है। तो फिर वही क्वेश्चन अगेन, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन सेम ही सेम पूछा, मींस एक ही लाइन पूछ रहा है वो पूरी। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो स्टार्टर कब तक चलाता है इंजन को, सेल्फ सस्टेनिंग आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने, आपने देखा कि सर बेसिक सा ही है, कुछ भी नया नहीं पूछा इन्होंने। फैडक वाला फिर वो कुछ भी नया नहीं पूछेगा, जस्ट इन्होंने फुल फॉर्म पूछा, तो बताया था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल आप कर लेना, ठीक है। फिर आप आते हो स्टार्टर पे, तो स्टार्टर पे मैंने बताया था कि जो शंट जनरेटर होगा ना उसके साथ एक हैवी सीरीज बाइंडिंग होती है स्टार्टिंग के लिए। तो ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, ये भी प्रीवियस ही पूछा है। स्टार्टर जनरेटर में कितनी बाइंडिंग होती है? चार बाइंडिंग होती है, रिमेम्बर है आपको, शंट बाइंडिंग, सीरीज बाइंडिंग, कम्यूटेटिंग एंड कम्युलेटिंग। तो चार बाइंडिंग सिंपल है ना, कंपनसेट एक, ठीक है ना।
कमुलेटिंग और कमुटेटिंग को शायद एक एक ही है, दो नाम है। ठीक तो चार पेंडिंग है। एडवांटेज ऑफ स्टार्टर जनरेटर ओवर डायरेक्ट रैंकिंग, तो हाँ स्पेस एंड वेट तो बच जाता है, ठीक है ना। वन परफॉर्म बोथ अ जनरेटर, यही तो था ना, क्योंकि स्टार्टर जनरेटर जनरेटर मोटर दोनों का काम करता है, कुछ ही पार्ट्स होते हैं आल, दोनों सारे एडवांटेज है। ये भी प्रीवियस में ईयर ही में ही है, ये भी नया नहीं है क्वेश्चन। इंजन इंडिकेटिंग परसेंटेज ऑफ आरपीएम, है ना, आरपीएम की दिखाता है बेटर एक्यूरेसी, मैंने पढ़ाया है सेकंड चैप्टर का है, ठीक है ना। आरपीएम, आरपीएम निकालते हो ना तो एक्यूरेसी के लिए निकालते हैं, है ना। और यहाँ पे बहुत है ना, तो अब इसको श्योर करना है, आप यहाँ से श्योर करोगे, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ से होगा। मैं बता देता हूँ, मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि अभी जब आप रिवीजन करोगे तो फिर मैं ये सेंड कर दूंगा, डायरेक्ट आप कर लोगे यहाँ से। केवल वही होगा, है ना। और अडॉप्ट वेरियस इंजन कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए नहीं, केवल बेटर एक्यूरेसी है, ठीक है। रेफरेंस आप लेना चाहोगे तो रेफरेंस 2.4 है यासा का, सेकंड वाला ये भी प्रीवियस में आया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव होता है, आपने किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी है, नेट थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस थ्रस्ट माइनस रैम ड्रैग, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रीवियस ही, ऑल ऑफ द अबव इसका सही होता है। एयर टरबाइन स्टार्टर भी आपको बताया था कि ये क्या होता है, एयर टरबाइन स्टार्टर ज्यादा टॉर्क देता है, ठीक है ना। और क्या लिखा है, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो एंड लो वॉल्यूम एयर सप्लाई, हाई वॉल्यूम एयर सप्लाई। देखो एयर सप्लाई तो लो होना चाहिए क्योंकि 30 PSI होता है ना, 30 PSI, तो देख लेते हैं 30 PSI होता है, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा हाई है, बट ये क्या सोचता है बुक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो बताया कि हाई टॉर्क देगा, द प्रेशर इन द डायरेक्ट हाई एनफ, प्रेशर ठीक है 30 PSI का है, बट लो वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला कहाँ से लिख रहा, आइदर ग्राउंड एयर सप्लाई, 3.6 वाले पेज पे देखो एक बार, जल्दी मिल जाए आपका है। एयर टर्बाइन स्टार्टर इंगेज प्रोवाइड स्मॉलर लाइट वेट टिपिकल कपलर सेम इनफ कपलर डालिंग। मिला क्या कुछ? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? वॉल्यूम लिखा होगा उसको ही देखना, मुझे एक पॉइंट दिखा है बट वो नहीं है, उसमें लिखा है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मीन्स 30 PSI, उतना प्रेशर तो होना ही चाहिए होता है, 30 to 50 PSI, बट मिनिमम आपका 30 PSI होना चाहिए प्रेशर इसके डक्ट में, मिनिमम प्रेशर 30 PSI और मैक्सिमम 30 to 50 PSI होना चाहिए, बट ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम वाला एग्जैक्ट डिफरेंस इसमें नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिलेगा किसी बुक में भी, मीन्स ये हम लोग देख लेंगे उस वाले बुक में, ट्रिगर में एक बार देख लेंगे, और अगर वहां मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे हम लोग हाई वॉल्यूम पे टिक कर लेंगे, ठीक है। एक बार मुझे इसे श्योर करना जरूरी है, हाई वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, प्रेशर की बात करता तो हाई प्रेशर टिक कर देता। हाँ हेलो,
एक जगह पे दिया है कि इंट्रोड्यूसिंग एयर ऑफ सफिशिएंट वॉल्यूम एंड प्रेशर इनटू स्टार्टर इनलेट। हाँ हाँ वो पता है, वो आपका हाई प्रेशर होती है 30 to 50 PSI, मिनिमम 30 PSI होती है, बट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट लाइन नहीं मिल रहा ना, वो केवल प्रेशर की बात कर रहा है। अब देखो हाई वॉल्यूम कर दोगे, हाई वॉल्यूम में तो हाई वॉल्यूम कर दोगे मींस वॉल्यूम ज्यादा कर दिया आपने, तो प्रेशर तो अभी कम ही होगी ना, लो वॉल्यूम करोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात? बट लो वॉल्यूम एयर लिखा है, अगर हाई वॉल्यूम एयर होगा तो कंफर्म है ना कि एयर की वॉल्यूम ज्यादा रख दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगी ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? लॉजिक तो ये भी है ना कि आप वॉल्यूम ज्यादा रख दोगे एयर की, और वो कह भी रहा है हाई वॉल्यूम एयर, हाई वॉल्यूम एयर वॉल्यूम आपने ज्यादा कर दिया एयर की, तो कंफर्म है कि प्रेशर तो कम हो सकती है, इसलिए मुझे वो एग्जैक्ट वाली लाइन ढूंढना जरूरी है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ऐसा में नहीं है बट हमारे पास ये जे है, या फिर 15 में एक बार देख लेंगे, वो 12 में, तो इसको आप रेड में मार्क कर देता हूँ, इसको चेक करना पड़ेगा, या फिर मैं अभिषेक से पूछ लूंगा, उसने किया होगा तो उसको बता देगा, वो रेफरेंस ढूंढता रहता है, पेपर दिया है तो उसने ढूंढा होगा, तो इसको एक बार कंफर्म कर लूंगा। इकास कॉशन एंड एडवाइजरी, आपका रेड हो जाएगा ना, एडवाइजरी एंड कॉशन इंडिकेट येल्लो हो जाएगी। यस सर। कंटिन्यूअस इग्निशन सिस्टम में अपडेट कर दोगे फ्लेम आउट हो जाती है तभी चाहिए होता है, ये बताया था ना, ताकि इंजन स्टॉप ना हो, तो इसने आंसर ही डायरेक्ट लिखा है, तो ये भी प्रीवियस में आया है, ये भी नया नहीं है, जो नए नए हैं वो मैं अभी आपको काउंट करा दूंगा कि देखो कौन कौन से नए हैं। इसमें पूछा है स्टार्टर मोटर के बारे में, स्टार्टर मोटर क्या है, डायरेक्टली प्रोड्यूस टू सप्लाइड वोल्ट एंड यूनिवर्सल प्रोड्यूस टू द लोड, यूनिवर्सल प्रोड्यूस टू द सप्लाइड वोल्ट एंड डायरेक्टली प्रोड्यूस टू द लोड, डायरेक्टली प्रोड्यूस टू द सप्लाइड वोल्ट एंड लोड एंड यूनिवर्सल प्रोड्यूस टू द सप्लाइड वोल्ट एंड लोड। ये स्टार्टर मोटर वाला, स्टार्टर मोटर वाले जो टॉपिक है ना उसमें देखो, अभी कोई स्टार्टर जनरेटर है यहाँ पे, मोटर तो है नहीं, ठीक है, स्टार्टर मोटर तो इसमें नहीं लिखा होता है, इसमें लिखा है कि स्टार्टर जनरेटर, बट ऐसा देखो लाइन आप किस वाले पेज नंबर पे, 14 3.4 वाले में ढूंढो इसे, ऐसा कुछ मिल रहा? ये भी नया ही क्वेश्चन है आपको, ये भी कभी नहीं पूछा गया है। मुझे नहीं लगता इधर मिलेगा, देख लेता हूँ एक बार, ये वाली लाइन प्रोपोर्शनल टू द लोड ना, क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी वाली बात देखो, आप सर्च करोगे पीडीएफ में तो डायरेक्ट दिख जाती है, कोई लाइन है प्रोपोर्शनल की 3.4 में? नो सर। है? मुझे नहीं मिल रहा इसमें। हाँ तो ये भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा, गैस टरबाइन में देखेंगे इसे एक बार, ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर क्या है, गैस टरबाइन देख लेंगे, नहीं तो हम लोग अदर भी बुक है, मैं फा में चेक करके बताऊंगा आपको, वैसे फा वाला यासा का पूरा कॉपी है तो फा में तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं गैस टरबाइन बोल रहा हूँ वहां चेक करने के लिए, क्योंकि फा और यासा सेम सेम टू सेम है। यहाँ पे आते हैं, एयर टर्बाइन स्टार्टर रन अप रन्स बट इंजन डज नॉट रोटेट, क्या होगा? एयर टर्बाइन स्टार्टर रन कर रही है लेकिन इंजन नहीं रट कर रही है, पावर स्विच फॉल्ट है, सीआर ड्राइव कपलिंग है, नहीं इनसफिशियंट सप्लाई है, जो आपने सप्लाई दिया वो क्या है, सही नहीं है, तो सीआर ड्राइव कपलिंग तो नहीं है, इस पे टिक करेंगे, इनसफिशियंट सप्लाई। आप सोचोगे सर इनसफिशियंट सप्लाई किसका है, एयर का, एयर इनसफिशियंट होगा तो फिर इंजन स्टार्ट हो ही नहीं सकती, तो बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। टर्बाइन सेक्शन, और टर्बाइन सेक्शन आपका क्या होता है, कंप्रेसर एंड कंबशन चैम्बर के बीच में होता है, नहीं ये तो गलत हो गया, कंबशन चैम्बर में तो होता नहीं है, बिटवीन हाई प्रेशर एंड कंबशन चैम्बर, हाँ हाई प्रेशर एंड कंबशन चैम्बर यही पे होता है, समझ पा रहे हो ये लाइन? कुछ नया है या कुछ बेसिक सा ही है क्वेश्चन, है ना, वो हाई प्रेशर एंड कंबशन चैम्बर के मिड में ही होता है ना, और आप इसको समझते हो कि हाई प्रेशर कहाँ पे है, टर्बाइन के पास ही होगा, कंबशन चैम्बर एंड टर्बाइन के बीच में ही हाई प्रेशर होती है। एयर टर्बाइन स्टार्टर रन बट इंजन डज नॉट रोटेट, फिर ये भी पूछा जस्ट, ये तो वही क्वेश्चन है,
ये वाल इस पे आ जाओ। और टर्बो टर्बो प्रोप का एडवांटेज क्या होता है? टर्बो प्रोप इंजन है, नीचे ही अच्छा एडवांटेज है, तो क्या आंसर होगा इसका? कि हम लोग क्या करते हैं, हमें एक तरह से थ्रस्ट का वाला जो सेक्शन होता है ना, जैसे कि ये निकल रहा, मैं बता रहा हूँ, ये इंजन से जो बाईपास हो रहा है ना, तो यहाँ पे नॉजल्स होते हैं, मीन्स ये जो एंड वाली नॉजल्स होती है इनको क्लोज कर दी जाती है, तो थ्रस्ट अब इस तरह से आ जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अभी वो थ्रस्ट हमारा डायरेक्शन इस तरह से, वो डायरेक्शन इस तरह हो गई, मीन्स वो ड्रैग क्रिएट करते हैं एक तरह से, वो रिवर्स थ्रस्ट का यूज करना होता है। वो कब यूज करते हैं, मतलब कि लैंडिंग टेक ऑफ, लैंडिंग पे करते हैं, मेनली लैंडिंग पे करते हैं, ठीक है, स्लो करना एयरक्राफ्ट को, तो रिवर्स थ्रस्ट यूज करते हैं, तो इसमें अच्छा मिलता है, एफिशिएंट मिलता है। ये लाइन आपके ट्रिगर में है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी जहां दिया है ना वहीं दिया है, प्रॉपर्टी मैंने इसमें मेंशन किया तो आपको दिख जाएगा। इंजन इंस्ट्रूमेंट, इंजन इंस्ट्रूमेंट शो ऑन टॉप, क्या देखेंगे? ईपीआर N1 बताया था आपको, ये सब टॉप पे आएंगे, ईपीआर, हाँ ईपीआर N1 ये सब टॉप पे आएंगे। उसके बाद जो ये EGT भी आती है, मतलब कि अपर डिस्प्ले पे ही होती है, बट EPR और N1 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना। मान लो अगर ऐसे पूछ रहा था बॉथ नहीं होगा, मे बी इसने इतना लिखा है तो कंफर्म होगा कि बॉथ नहीं होगा। अगर सी वाला ऑप्शन होता कि बॉथ है ना, बॉथ होता तो बॉथ वाला सही होता, बट सी ऑप्शन इसने नहीं मेंशन किया, तो बस हम इनसे दोनों ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं, तो EPR ज्यादा मैंडेटरी पैरामीटर्स है, EGT बाद में है, पहले EPR N1 देखना जरूरी है कि नहीं है बताओ? तो आप इंजन डिस्प्ले देखोगे तो ऐसे दिखते हैं, पहले ऐसे आपको इंजन जब डिस्प्ले देखोगे ना तो पहले क्या दिखेगा, N1 दिखता है, मींस EPR N1, ऐसे EPR N1 दिखता है, ठीक है, फिर आपको EGT दिखती है, EGT जब आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, फिर EGT दिखेगी, EPR N1 N2 देन EGT, फिर फ्यूल फ्लो, फ्यूल फ्लो आपने देखा होगा एकदम नीचे दिखाता है टॉप ऑफ द डिस्प्ले के, देखे हो ना, तो इस तरह से दिखाता है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने टिक कर दिया कि EPR N1 ज्यादा मैंडेटरी। ऑपरेटिंग वेरिएबल परफॉर्मेंस प्रोपेलर रिप्लेस बाय फैन इन, हां तो टर्बो फैन इंजन में तो प्रोपेलर को रिप्लेस कर देते हैं ना, आपका टर्बो फैन हो जाएगा, टर्बो फैन इंजन। ऑपरेटिंग वेरिएबल बर्नर, बर्नर परफॉर्मेंस वाला बताया था आपको ट्रिगर से, है ना, तो काटा था हम लोगों ने कि फ्यूल एयर रेशियो, प्रेशर, प्रेशर जरूरी है, प्रेशर बर्नर परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर जरूरी है, फ्यूल एयर रेशियो भी है। अब देखो इसके लिए सर सोचोगे कि सर ये वाला थोड़ा और क्लियर कर लो, तो मैंने यहाँ पे देखो मेंशन भी किया है बर्नर परफॉर्मेंस के लिए, इसीलिए ये सारे टॉपिक्स मैंने ट्रिगर के काटे थे, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रिगर्स के क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, वो जरूर वो लोग पूछने वाले हैं, ठीक है। और जैसे आप ये PDF देखते हो ना, आपके ट्रिगर पूरा रिवाइज हो जाती है इजिली, आपको प्रॉब्लम नहीं होता। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, नॉजल गाइड वेन, यहाँ पे देखो बर्नर वेरिएबल्स आए यहाँ पे सारे हैं, तो है ना, उसमें प्रेशर भी है, फ्यूल एयर रेशियो भी है, तो वहां पे हमें लग रहा है एक सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। उसमें इनलेट एयर टेम्परेचर है क्या, क्वेश्चन में देख लेते हैं, इनलेट एयर टेम्परेचर है क्या? इनलेट एयर टेम्परेचर होगा तो ठीक, टोटल एयर टेम्परेचर होगा तो नहीं होगा, वो वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, टोटल एयर वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है आपको टोटल एयर टेम्परेचर है, तो वो दोनों नहीं सही होगा, बट ये दोनों सही हो जाएगा, क्लियर हो अभी? ये दोनों सही है, मींस डी वाला ऑप्शन, मींस इसमें डी वाला ऑप्शन जरूर रहा होगा, है ना। और अगर नहीं रहा होगा, मान के चलो डी वाला ऑप्शन नहीं है, तो क्या कर दोगे, प्रेशर को टिक कर लेना, क्योंकि जो अप एंड डाउन जो ऑप्शन दिए उनके अकॉर्डिंग टिक कर लोगे, बट डी वाला ऑप्शन जरूर होगा, ANB ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। डेटा AC, अब देखो ये भी नया क्वेश्चन नहीं है, ये भी पुराना ही है, क्योंकि ये टॉपिक आया, तो मैं बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा है, बट वो क्या चीज रिपीट होने वाले हैं, टॉपिक रिपीट होंगे, इसलिए वही टॉपिक आपको हम लोग कराते हैं, और उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि ये टॉपिक आने ही आना है,
उनको आपको पढ़ के जाना है, वो आप पढ़ के जाते हो कोई दिक्कत नहीं होती। और रैंडम वाले तो है ही है, तीन चार क्वेश्चन वो तो आना ही है रैंडमली, कुछ ना कुछ पूछेंगे ही। डेटा एसी प्रोग्रामिंग प्लग, ठीक है, जो एसी प्रोग्रामिंग प्लग होती है उसमें डेटा किस तरह की होती है, थ्रस्ट सेटिंग होती है, याद रखना। जो प्रोग्रामिंग प्लग होती है ये भी फेडेक से ही पूछा गया है, मीन्स आपका जो ये गैस टर्बाइन है ना, ट्रिगर, ट्रिगर वाले बुक से है। और जैसे ही आप पढ़ते हो ना मेरे ट्रिगर वाली, यहाँ पे पूरी लाइन मैंने मेंशन कर दी है फटक के, पूरी कॉपी करके, जो आपको जरूरी है वो आप देख लोगे उसमें मेंशन होगा। जब अभी मैं आपको कराऊंगा थियोरेटिकल भी कराऊंगा जो भी मैंने इसमें मेंशन किया है, तो आपको तैयार हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि हाँ वही है, थ्रस्ट सेटिंग रहती है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। आप आते हो देखो, ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में पूछा था जस्ट, एसी स्टोर परफॉर्मेंस डेटा एंड मेंटेनेंस डेटा, बोथ में हो जाएगा, बोथ नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल दोनों में जाती है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ से है, यासा की लाइन है, देखो जस्ट मेरे पेपर में था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बस उसमें मेंटेनेंस डेटा नहीं लिखा था, उसमें बस इतना लिखा था कि एसी स्टोर परफॉर्मेंस डेटा, बस इतना लिखा था। अब आपके ये पेपर पूछा तो एक आंसर इसमें क्वेश्चन में और ऐड कर दिया, बस पॉइंट एंड मेंटेनेंस डेटा। मेरे पेपर में मेंटेनेंस डेटा ऐड नहीं था, अभी जस्ट इसके ऊपर ही मैंने अपने पेपर वाला मेंशन किया था, देखना। हेल्दीएस्ट चैनल कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका हेल्दीएस्ट चैनल होती है उस पे कम वेट होता है, तो द हैवीएस्ट वेट इज कॉल्ड हेल्दीएस्ट चैनल, बी वाला ऑप्शन गलत हो गया, बी वाला ऑप्शन डायरेक्ट गलत। जिस पे वेट कम होगी वही क्या होता है, हेल्दी चैनल होता है, बताया था आपको, कम लोड होगा वही परफेक्ट है, श्योर हो इस बात से? यस सर। हेलो, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया, मीन्स डी वाला ऑप्शन उसके साथ गलत कर दिया हमने, मीन्स अब ए एंड सी में हमें डिसाइड करना है, तो हेल्दीएस्ट चैनल का लोकल चैनल करेक्ट, यही है, हेल्दीएस्ट चैनल को ही लोकल चैनल कहते हैं। जो स्टैंड बाई में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट चैनल कहते हैं, याद रखना। ये भी प्रीवियस में ही है, ये भी नया क्वेश्चन नहीं है। अब काउंट कर लो कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस से आए या टॉपिक्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ एंड नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 क्वेश्चन देखो पूरी सियोरिटी के साथ में, एक भी नया नहीं है। 19 के बाद इसमें 23 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दो बार रिपीट कर दिया है, तो क्या पता वो डबल बार ही होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन आपके सिंपली प्रीवियस से ही है, तो आप समझ रहे हो कि जो टॉपिक आप कर रहे हो ना, हम कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें कर सकते हैं, वो आप करके जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम आराम से निकाल के आ जाओगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। जो टॉपिक्स नहीं हुए उनको हम लोग करेंगे, देखो मेरे पेपर में आया था, मैंने मेंशन भी किया है वो वाली लाइन जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ना, एसी परफॉर्म नॉन वोलेटाइल ऐसा लिखा है हमने, तो पूरा आंसर नहीं लिखा है मैंने, सारा ऑप्शन नहीं लिखा है मुझे, बस जो जो थोड़ा थोड़ा लाइन बस मेंशन था जल्दी जल्दी, मीन्स जब मैं रास्ते में होता हूँ तो मैं मेंशन कर दिया था, तो मैंने इसे चेंज नहीं किया था, जैसा मैंने लिखा था वैसा ही लिखा था। 24 के 24 है, ऊपर से ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से मैंने ये लिखा था 20 क्वेश्चन जस्ट, तो सारे क्वेश्चन से मैं आपको करा दूंगा। तो अभी हम लोग चल लेते हैं फर्स्ट वाले पे, अभी हम लोग यहाँ से कवर करते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं अभी। यस सर, ठीक है, सामने बहुत शांत है क्योंकि बोल नहीं रही, क्लास में है। टर्बाइन इंजन्स पे देखोगे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है लेवल 2 का, तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ। एक सेकंड में इसे शेयर कर लेता हूँ, ये देख रहा हूँ शेयर हो जाए, पेन नहीं चलता तो वो फील नहीं आती मुझे पढ़ाने में। पर
इतना बड़ा सीन होता है बस में इतना बड़ा सीन होता है इतना बकवास होता है इसे डाउनलोड कर देते हैं फिर देख तो अगर पीडीएफ फॉर्मेट में हो जाता है तो ठीक है डॉक्स में ही कर रहा है चेंज करना पड़ेगा मुझे डाउनलोड करके छोड़ करते हैं आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे आप ठीक है व्हाट इज चार्ल्स लॉ ठीक है चार्ल्स लॉ को हमने आपको समझाया था सिंपली आपको याद रखना है कि सर चार्ल्स से सीपी होती है एंड सेंटर ऑफ प्रेशर एक दूसरे से कनेक्टेड एयरक्राफ्ट के लिए है तो मीन्स यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होने वाला है अब प्रेशर कांस्टेंट कर दो उसके बाद वाला आप सोचोगे तो प्रेशर कांस्टेंट अभी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रेशर कांस्टेंट तो आप बता दोगे कि सीपी मीन्स प्रेशर कांस्टेंट बाकी दो बचे हैं उनको कैसे करोगे सर आपने कहा कि सर ठीक है आपने बता दिया तो आपको पता है पी वन वी वन अपन टी वन सिंपल तो कौन किसके प्रोपोर्शनल है आपको सिंपली समझ में आ जाता है कि जो वी है वो टी के प्रोपोर्शनल है तभी ये टी वन नीचे आया है इतना समझते हो ना जो जिसके प्रोपोर्शनल होगा वो हमेशा डिवाइड में जाएगा इसमें किसी को कोई डाउट तो सिंपली आप समझ जाते हो कि चार्ल्स लॉ में सर पी वन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या होती है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है नेक्स्ट समझ जाते हैं ब्रेटन साइकिल ओपन होती है सिंपली इसमें कुछ नया नहीं है क्लोज साइकिल के बारे में पूछे तो आपका जो ओटो साइकिल होती है ये क्लोज्ड होती है मींस रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए फैडेक की बात करोगे तो इसमें कोई भी मैकेनिकल बैकअप नहीं होना चाहिए अगर ट्रू फैडेक है मींस इलेक्ट्रॉनिक है टोटली फ्यूल को मेजर करते हैं वेट में मैंने आपको समझा दिया था ना वॉल्यूम मेजर करोगे तो क्या होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बढ़ती है तो कोई प्रॉफिट नहीं है इसलिए वेट को मेजर करना जरूरी है पता चलेगा फ्यूल है ही नहीं बट वॉल्यूम दिख रहा है आपको लग रहा है कि पूरे टैंक फुल है मींस फ्यूल पूरी भरी पड़ी है कुछ नहीं है ठीक है ना इसलिए वेट मेजर करना जरूरी है तो आप देखते हो ना जो फ्यूल फ्लोमीटर होता है ना मास मेजर करता है गैलन याद है ना वो क्या मेजर करता है मास पर वॉल्यूम मेजर करता है ना कि कितना मास है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो मास मेजर करता है पर आवर में मास पर आवर या गैलन पर आवर उसकी मेजरमेंट होती है फ्यूल फ्लोमीटर की फाइव वाला देखोगे गैस टर्बाइन इंजन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट तो जो मोस्ट यूज होता है हाई बाईपास यासा की लाइन है पूरी यासा की ही है ठीक है क्लियर है इस पे जिसमें जो नहीं समझ में आया ना वो पूछना yes, सर समझा दो अब देखो हाई बाईपास है ना तो क्यों अब देखो हाई बाईपास होगा थ्रस्ट वगैरह बहुत अच्छा होगा लो बाईपास कर लोगे तो थ्रस्ट उतना मिलेगा नहीं क्योंकि हमें मिलिट्री नहीं चलानी है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में जाओगे तो थ्रस्ट में हम लोग लो बाईपास रखते हैं क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है ना मिलिट्री वालों में वो कुछ भी उड़ा रहे हैं समझ रहे हो ना तो हमें यहाँ पे स्टेबल चाहिए उनको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए उनको थ्रस्ट उल्टा सीधा जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में चाहिए है ना तो हमें ये वाला स्टेबलाइज्ड एयरक्राफ्ट है इनको एक स्पेसिफिक थ्रस्ट चाहिए ठीक है ना आगे बढ़ने के लिए ये अनस्टेबल नहीं रह सकते ठीक है तो इसलिए हमें हाई थ्रस्ट ही चाहिए तो जो आपका टर्बोफैन इंजन होता है वो हाई थ्रस्ट वाला ही होता है सिक्स वाले पॉइंट पे आओगे फैडेक मस्ट रिप्लेस तो फैडेक क्या रिप्लेस करते हैं उसमें ईसी जो प्रोग्रामिंग प्लग होती है वो हमेशा इंजन के साथ रह जाती है जब भी आप फैडेक चेंज करते हो तो जो प्रोग्रामिंग प्लग है वो इंजन से कनेक्टेड रहती है इंजन केस विद द लैनयार्ड ये यासा की लाइन है पूरी इंजन केस विद द लैनयार्ड ये रहती है तो ईसी की जो प्रोग्रामिंग इंजन के साथ ही रहती है और ये आपका वाला फैडेक वाला पॉइंट मीन्स जो फैडेक होता है वो उसे रिप्लेस कर देते हो सामने है क्या क्लास में हेलो Yes, sir. Okay. और कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना क्योंकि तुम्हारा काफी तुमने गैप किया है क्लास में ठीक है मैंने रिकॉर्डिंग देखी है सब सर ओके अच्छा सेवन वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग क्रॉसटॉक लॉजिक हमने बताया था ना एसी क्या होती है ना वो जो चैनल है एंड चैनल भी है वो एक दूसरे से बात करते हैं कम्युनिकेट करते हैं और वो कंपेयर करते हैं डेटा की तुम अच्छे वेट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो जैसे घर के लोग मेंबर कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये ज्यादा प्रेशर ले रहा है तो थोड़ा हम उससे कम कर लें जैसे भाई पे ज्यादा प्रेशर हो रही है बोझ जिम्मेदारियों की तो हम थोड़ा मैनेज कर लें जस्ट यही होता है यहाँ पे भी तो देखता है कि ए वाले को ज्यादा दिक्कत है तो बी वाला कहता है कि ये वाला जो सिग्नल है ना ये ड्राइवर है ना ये हमको दे दो मैं इसका प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ तो एक दूसरे से कंपेरिजन करते हैं और वेट कोशिश करते हैं कि कम रखें और जो प्राइमरी वाला है ठीक है मीन्स चैनल ए है जैसे प्राइमरी चैनल भी कहते हैं या जैसे लोकल चैनल आप कह रहे हो तो वो उसमें देखा जाता है कि मोस्ट वही कंट्रोल करता है इंजन को ठीक है बट अगर वो सही ना हो तो चैनल भी कर लेगा ठीक है और ये अल्टरनेट और दोनों ही अगर अच्छे हो एकदम परफेक्ट हो तो कभी ए लोड कैरी करता है कभी बी लोड कैरी करता है ठीक है इस तरह से होता है पॉइंट एट वाला देखते हो ये क्वेश्चन नहीं आएगा बट मैंने मेंशन कर दिया था ये 17 से यासा 17 देखोगे मीन्स प्रोपेलर वाले चैप्टर से कि जो उसमें टिप होती है ना प्रोपेलर ब्लेड की उसको
मेजर करते हैं, पोजीशन मेजर करते हैं, उसको हम लोग ब्लेड ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है ना। प्रोपेलर जो है उसके टिप के पोजीशन को डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो एक ब्लेड ट्रैकिंग मेथड होती है, ठीक है, वो प्रोसीजरल मेथड है एक तरह से, उसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जैसे सीजी वगैरह कैलकुलेट करी जाती है उसी तरह से प्रोसीजर में उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत बेसिक सा रहता है, ठीक है, तो उसे ब्लेड ट्रैकिंग कहते हैं। मुझे लगा था मेंशन कर लो तो इसलिए मेंशन कर दिया। कोल्ड सेक्शन आप देखोगे, कोल्ड सेक्शन क्या है, तो कोल्ड सेक्शन क्या होता है, सिंपली इनलेट टू कंप्रेसर, यही तक होता है ना, फिर आपका कंबशन चैम्बर टू एग्जॉस्ट तक पूरा हॉट सेक्शन है। तो आप दोनों ही पॉइंट याद रखोगे, फिर हॉट सेक्शन भी मैंने मेंशन कर दिया, कंबशन चैम्बर टू एग्जॉस्ट, सिंपल। 11 में आ जाओगे, पावर लीवर रिसॉल्वर ऑफ फेडेक। पावर लीवर रिसॉल्वर क्या होती है, तो हम लोगों ने देखा था कि सर ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, एंगुलर मेजरमेंट करती है, ध्यान है आपको ट्रिगर की लाइन है, ट्रिगर की एंगुलर मेजरमेंट करती है, यही करता है ना, एंगुलर मेजर करती है। यस। 12 देखोगे, लो पिच हाई आरपीएम सेटिंग, ठीक है ना, ये किस लिए करते हैं, आपका पिच कम हो, हाई आरपीएम सेटिंग, ये देखो 17 से था, या था 17 से प्रोपेलर से पूछा गया था, इसलिए मैंने वो थोड़ा एक दो क्वेश्चन देखा था तो मेंशन कर दिया था। तो अप्रोच याद रखना, लो पिच रखते हैं, पिच हमेशा अप्रोच पे कम ही रखते हैं, और हाई आरपीएम रखते हैं, आरपीएम हाई होगी, है ना, इसीलिए टेक ऑफ के टाइम क्या होता है, आरपीएम ज्यादा रखते हैं ना, नहीं सॉरी टेक ऑफ कह रहा हूँ, अप्रोच के टाइम पे, ठीक है ना, टेक ऑफ के टाइम पे हम एंगल ऑफ अटैक ज्यादा रखते हैं, मीन्स जो अप्रोच आपका जो पिच है वो हाई रखते हैं, ठीक है, आप देखते हो, ध्यान है ये इस बातों पे, पढ़े हो एरोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि सर टेक ऑफ जब कर रहे होते हैं तो हम लोग पिच ज्यादा कर देते हैं ताकि हमें एंगल ऑफ अटैक ज्यादा मिल जाए और लिफ्ट मिल जाए, श्योर हो इस बात से? Yes, तो आप सिंपली आप जब टेक ऑफ जब वो हाई पिच की बात करें तो आप टेक ऑफ टिक कर देना, ठीक है, और लो पिच की बात करें तो अप्रोच पे टिक कर देना। ये भी प्रीवियस ईयर में है, कौन सा प्रीवियस में नहीं था, अभी ये ब्लेड ट्रैकिंग वाला नहीं है, ये प्रीवियस में आपका नहीं आया अभी, बट मैंने मेंशन कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है कर लो, क्या पता पूछ ले इसकी वजह से। पावर रिसॉल्वर वाला क्वेश्चन फिर अगेन, ये क्या आ रहा है, फीडिंग ऑफ प्रोपेलर, ये भी अभी नया है, इसको भी मार्क कर सकते हो, अभी ये भी आया नहीं है बट याद रख लोगे, ठीक है ना। फीडिंग ऑफ प्रोपेलर किसे कहते हैं, तो रिड्यूस प्रोपेलर ड्रैग, फीडिंग से क्या होता है, हमने समझाया था ना, क्योंकि प्रोपेलर इंजन है, अभी वो तेजी से चलेगा तो क्या हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, मीन्स वाइब्रेट करने लगता है, उसको ही फीडिंग कहते हैं, एक लिमिट तक ही तो चल सकता है, आपको पता होगा कि सर 450 MPS तक ही चलता है, यही है, इसी के पास आसपास का ही डेटा है, 450 RPM ये प्रोपेलर इंजन की है ना, टर्बो प्रोपेलर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आरपीएम, है ना, उतना ही आपका एमपीएस स्पीड रहती है, तो फिदरिंग हो जाता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, द पिच एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 degree होता है, तो बहुत वाला ऑप्शन सही है, अगर पूछे तो आप समझा देना इसके बारे में। 14 देखोगे, अभी यहां से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो ईसी गैदर करती है, जब गैदर करेगी, अभी देखो याद रखना, जब गैदर करेगी इंफॉर्मेशन और डिटरमाइन करेगी कि फ्यूल कितना देना है और ट्रांसमिट जब करती है, तो गैदर एंड ट्रांसमिट देन ये FMB याद रखना, जब ईसी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को गैदर करती है एंड ट्रांसमिट करती है तो FMB करते हैं। जब अब एक और क्वेश्चन ईसी का पूछता है, ठीक है ना, उसमें क्या पूछता है कि ईसी गैदर द नीडेड इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन फ्यूल फ्लो एंड सेंड टू, तो जब सेंड कहता है ना तो टॉर्क मोटर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, जब एसी ट्रांसमिट करती है डेटा को तो FMV कहते हैं, फ्यूल मीटरिंग वाल्व को, ठीक है ना, फ्यूल मीटरिंग वाल्व, एंड सेंड की बात करें तो टॉर्क मोटर पर करना, अभी ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। प्रिवेंट फेलियर ऑफ इंजन बियरिंग ड्यूरिंग द इनिशियल स्टार्ट इंजन, तो हम क्या करते हैं, इंजन फेलियर ना हो उसके लिए हम लोग प्रीवाल्ड करते हैं, है ना, इंजन स्टार्ट हो
आपका बंदा हो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं प्रीवेंट कर लेते हैं। ये ब्लीड, ये पूरी यासा की लाइन है 2-5 जो ब्लीड इनलेट वाल्व है, आप सोचो कि सर ये कहां से है, ठीक है। तो ये यासा का है फिगर, आप देख रहे हो यासा में एक फिगर होगा, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। यासा में फिगर है आपका 1.21, ठीक है, वही रेफरेंस भी होगा, 1.21, हाँ रेफरेंस भी वही है, मतलब कि नए एडिशन से लगाया हमने, है ना, 1.21 है। उसमें देखो दो तरह के ब्लेड वाल्व हैं, 2.9 एंड 2.8, मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, 2.9 भी इसमें होते हैं ब्लेड वाल्व, दो तरह के ब्लेड वाल्व होते हैं, 2.9 भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एक बार पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, आइस बिगिंस टू कलेक्ट ऑन फिल्टर सरफेस, द प्रेशर अक्रॉस द फिल्टर स्लोली, तो ये पूरी यासा की लाइन है कि वार्निंग लाइट आ जाती है इंस्ट्रूमेंट पैनल पे और फ्यूल गेट फ्यूल हीटर ऑन हो जाती है, तो बहुत वाले ऑप्शन सही हो जाते हैं। जो प्रीवियस में नहीं रहेगा वो मैं बता दूंगा कौन से नहीं है, बट ये सारे प्रीवियस से ही बनाए हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रीवियस में नहीं है, सारे ही हैं, एक ही दो ही हैं जो नहीं होंगे। 18 का देख लोगे आप, टर्बाइन इंजन का जो इनलेट शेप होता है वो कैसा होता है, तो डाइवर्जेंट होता है, इनलेट डाइवर्जेंट रखते हैं। 19 का देखोगे तो फ्यूल फ्लो मीटर आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि 2-phase एसी मोटर लगती है, टर्बाइन होती है, एलवीडीटी सेंसर होती है, ये सारी बातें होती हैं। ये 2021 के पेपर में या 2022 के पेपर 2020 के पेपर में आया हुआ। फैडेक गेट पावर, तो हमने बताया था फैडेक जो पावर लेती है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से भी लिखती है और पीएमए से लिखती है ना, बट जब इंजन रन करने लगता है तो पावर किससे लेती है बताओ, हेलो, जब इंजन रन करने लगेगा तो फैडेक पावर किससे लेगा, पीएमए से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखोगे, व्हेन इंजन रन अप, ये क्वेश्चन इसमें है भी, मेंशन भी है, बट यहाँ पे नहीं है अभी, वो प्रीवियस ईयर में जो सारे जब टॉपिक वाइज, अभी तो मैंने टॉपिक वाइज किया था, फिर इनको ही हमने प्रीवियस ईयर वाइज भी मेंशन किया था, प्रीवियस ईयर वाइज करोगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है, वो पीएमए से आती है। स्विर्लिंग मोशन मैंने बताया था इम्पेलर होती है, इम्पेलर ही तो स्विर्लिंग मोशन करता है, क्योंकि उसका डिजाइनिंग इस तरह से बनाई गई है ना, इस तरह का होता है इम्पेलर, तो उसमें स्विर्लिंग मोशन मिल जाती है सिंपली इम्पेलर। और फ्यूल मीटरिंग यूनिट, ठीक है ना, और ये क्या है, हम लोगों ने ये बात किया कि एफएमयू क्या होता है, माउंटेड होता है फ्रंट ऑफ गियर बॉक्स, ये क्वेश्चन आया, एंड अटैच्ड होता है फ्यूल पंप से, तो याद रखना फ्यूल मीटरिंग यूनिट का लोकेशन, ठीक है, कहाँ होता है, फ्रंट ऑफ द गियर बॉक्स एंड अटैच टू द फ्रंट ऑफ द फ्यूल पंप, दोनों ही फ्रंट फ्रंट होगा, इतना सिंपली याद रखना, ठीक है ना, जहां भी बैक आएगा वो ऑप्शन गलत कर लेना, तो आप सिंपली फ्रंट फ्रंट से कैच कर पाओगे कि फ्रंट ऑफ द गियर बॉक्स होगा, फ्रंट ऑफ द फ्यूल पंप होगा, सिंपल। सेंट्रीफ्यूगल एडवांटेज में देखोगे, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आ जाओगे तो क्या होना चाहिए, हमने कहा था हाई फ्लो रेट होती है सेंट्रीफ्यूगल में, है ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होती है, प्रेशर हर स्टेज पे बढ़ता ही है, लाइटर देन एक्सेल होती है, मींस ऑल ऑफ द सही है, ये इंजन आपके कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 25 में आते हो, ये भी किससे बना होता है इसका इंपेलर, तो फॉर्ज्ड एल्युमिनियम से, ये ओल्ड फा से है, मींस फा वाले बुक्स है, ओल्ड फा कह लो, न्यू फा कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। 26 आप देखते हो एक्सियल, तो एक्सियल की जो रोटर ब्लेड होती है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, तो ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो लोग पूछ लेते हैं, एक बार पूछे थे ये लोग क्वेश्चन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंबशन सेक्शन इज, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कंबशन चैम्बर का, मैंने बताया था ना, मिक्स करता है फ्यूल एयर को, बर्न करता है एफिशिएंटली एंड डिलीवर करता है हॉट गैसेस टू द टरबाइन, यही होता है कंबशन चैम्बर का, मिक्स करना है एंड एयर को एंड बर्न करना है मिक्सचर्स को एफिशिएंटली एंड डिलीवर करना है हॉट गैसेस टू द टरबाइन। देखो सारे ऑप्शन सही, इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो सर। टाइप ऑफ टरबाइन ब्लेड, तो हमें बताया था इंपल्स रिएक्शन और इंपल्स रिएक्शन सब हो गए, इंपल्स भी होगा रिएक्शन भी होगा एंड इंपल्स रिएक्शन, ये ट्रिगर्स है ना, और आपके फा में भी है, ठीक है। बियरिंग आप देखते हो, तो बियरिंग क्या होता है, बाल बियरिंग यूज करते हैं, आपने 6 पढ़ा होगा तो 6 में पढ़ा होगा मॉडल 6 में कि बाल बियरिंग, बाल बियरिंग यूज करते हैं एक्सेल एयर रेडियो लोड के लिए, मैं सही हूँ, बाल बियरिंग एंड रोलर, रोलर बियरिंग यूज करते हैं ना, जस्ट
थर्टीन देखते हो कि एयरक्राफ्ट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट बताया था ना कि जब भी स्टेडी स्टेट की बात करेगा तो दोनों ही नोजल काम करते हैं स्टेडी स्टेट में। लेकिन ये बताओ जब टेक ऑफ हो गई तो कौन सा नोजल काम करेगा, केवल प्राइमरी बताया था, जब टेक ऑफ हो गई जस्ट केवल, हाँ केवल प्राइमरी होती है, बट जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाती है, स्टेडी मीन्स क्रूज एक तरह से समझ रहे हो, अभी क्लाइंब लाइन कुछ नहीं कर रहा क्रूज बन गए, तो केवल तब दोनों काम करेंगे, बट फर्स्ट टाइम में केवल प्राइमरी काम करता है, स्टेडी स्टेट पे दोनों काम करते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा है। 31 देखोगे फेडेक चैनल, तो फेडेक चैनल हमने देखा था कि हर एक चैनल का अपना ड्राइवर है, और हेल्दीएस्ट चैनल वही होता है जिसे हम कॉमन कहते हैं, है ना, कॉमन या फिर जो कमांड करता है, हेल्दीएस्ट चैनल ही कमांड करेगा उसको कॉमन कहते हैं, अदर चैनल को रिमोट कहते हैं, ये ट्रिगर से लिया गया, ठीक है। हेल्दीएस्ट चैनल जो कमांड करेगा उसको लोकल चैनल कहेंगे, और जो स्टैंड बाई में होता है उसको हम लोग रिमोट कहते हैं। एक्सेल फ्लो में आप देख लोगे 32 क्वेश्चन कि एक्सेल फ्लो में होता क्या है, तो हाई कंप्रेसर रेशियो हाई एफिशिएंसी। देखो एक्सेल में भी यही आंसर होता है, सेंट्रीफ्यूगल में भी यही आंसर होता है, दोनों के ही कंप्रेशन रेशियो हाई होते हैं एंड एफिशिएंसी हाई होती है, ध्यान रखना। काफी लोग इसमें फंसे रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं, लेकिन देखो जब कंपैरिजन करते हो ना, जब कंपैरिजन करते हो तो ये एक्सेल फ्लो की क्या हो जाएगी, जो कंप्रेशन रेशियो है ना ये ज्यादा हो जाएगा। अब स्टेज देखो, क्योंकि एक्सेल फ्लो में स्टेज बहुत ज्यादा है, बट एक सिंगल स्टेज की बात करोगे तो एक्सेल फ्लो की कंप्रेशन रेशियो कम है, समझ पा रहे मेरी बात। जब मैं आपको फा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया होगा, अभी वो क्वेश्चन आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, मैंने मेंशन भी किया है ना। सेंट्रीफ्यूगल के देख लो, सेंट्रीफ्यूगल का बताया था ना कंप्रेशर, कंप्रेशन कहाँ कहाँ होता है, तो पूरा कंप्रेशन रोटर और डिफ्यूजर के बीच में ही होता है, यही समझाया था सेंट्रीफ्यूगल में, डिफ्यूजर एंड रोटर के बीच में ही पूरा कंप्रेशन होता है, ठीक है। 34 का हो गए गैस टरबाइन, टर्बोजेट क्या होती है, लो थ्रस्ट पे देगी लो फॉरवर्ड स्पीड पे, क्योंकि ये जेट इंजन है एंड फैन इंजन है, तुमने बताया फैन इंजन एंड जेट इंजन लो स्पीड पे काम करने का कोई प्रॉफिट नहीं है, ये काम तभी करेंगे जब आसमान में जाएंगे, ठीक है ना। टर्बोप्रोप एबल टू डेवलप हाई थ्रस्ट, लेकिन टर्बोप्रोप जो है वो बड़े मजे से काम कर रहा है, वो कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लो पे ही उड़ेंगे, कम एयर स्पीड होगा, देन भी हम अच्छा काम करने वाले हैं। अलग देखो मीन्स सारी बातें सही है। 35 में देख लेते हो कि जीटी क्या है, टर्बाइन कैटेगरीज होती है हाई बाईपास, अगेन अब वही क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ये रिपीट है। नेक्स्ट देखोगे एसी कनेक्शन 7 होते हैं, ठीक है। जब आपसे पूछेगा ना वैक्यूम वाले कनेक्शन है ना, तो तीन पे टिक करना, तीन वैक्यूम कनेक्शन भी होते हैं एसी में, है ना, आप देखोगे यासा में तो लिखा होगा, यासा में चेक करना, मेरे ख्याल से अगर यासा में नहीं होगा ना तो आपको उसमें मिल जाएगा, ट्रिगर में मिल जाएगा कि दो आपके वैक्यूम वाले भी कनेक्शन होते हैं। एसी कंप्यूटर के बारे में आ जाओगे तो दो चैनल होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे से और कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं ऑपरेशन ऑफ द इंजन, मींस दोनों ही ऑप्शन सही है, दो चैनल होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और कंट्रोली मतलब इंडिपेंडेंटली एक दूसरे वो इंजन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि चैनल ये नहीं कर सकता चैनल भी नहीं कर सकता, है ना, वो सिंगल सिंगल कर सकते हैं कंट्रोल, तो मीन्स दोनों ऑप्शन सही है। 38 में देखते हो कि टर्बोशाफ्ट इंजन है मोस्टली कहाँ होगा, हेलीकॉप्टर में, नंबर ऑफ चैनल दो होंगे, स्विरलिंग मोशन इंपेलर होगा, अभी ये क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। 41 भी वही है इंपेलर वाला, प्रोपेलर रिसॉल्वर को देखो, रिसॉल्वर इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होता है, ये वाला फिर क्वेश्चन आ गया, टर्बाइन ब्लेड्स वाला फिर से आ गया, अब 44 पे आते हैं, 44 आपका नया 44 वाला हमने बताया था फ्यूल फ्लो इंडिकेटिंग एंड मेजरिंग सिस्टम में, ये यज्जे में है, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि 115 वोल्ट अगर एसी 400 वाला देते हो तो 60 वोल्ट वाला और 800 वाला टू फेज एसी आउटपुट मिलती है, 60 वोल्ट मिल जाता है और 800 टू फेज आउटपुट मिलती है, ये भी पेपर में आया हुआ है। आइस बिगन टू कलेक्ट ऑन फिल्टर सरफेस द प्रेशर अक्रॉस द फिल्टर स्लोली, तो ये वार्निंग लाइट आ जाएगा, हीटर ऑन हो जाएगी, ये अगेन आया। इनपुट टू फेडेक हमने बताया था, ये सारे फेडेक होते हैं, टैट टीपीपी है, याद रखना टैट टीपीपी है, ठीक है, इस तरह से याद रखोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इसमें कई तरह से केवल प्रेशर लिख के आ जाता है तो वो गलत होता है ऑप्शन,
और अलग देखो भी लिखा होता है, और इसमें जानते हो ये नहीं लिखा होता है टोटल एयर टेम्परेचर, केवल एयर टेम्परेचर लिख देता है, और तब भी लोग इसको अलग देखो पे टिक कर देते हैं, तब गलत हो जाएगा। वहां पे केवल प्रेशर एल्टीट्यूड सही होता है, केवल प्रेशर एल्टीट्यूड, क्योंकि ये उसमें केवल एयर टेम्परेचर लिखा होता है, प्रेशर लिखा होता है और प्रेशर एल्टीट्यूड, प्रेशर एल्टीट्यूड उसने सही लिखा, बट टेम्परेचर को टाइट लिखना चाहिए था, प्रेशर को टीपी लिखना चाहिए था, मीन्स टोटल प्रेशर, तब सही होता है अलग देखो। ठीक है, तो ऐसे भी पूछे गए हैं, अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो सही है, तो ये सारा सही। 47 में सेंट्रीफ्यूगल में आओगे तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, हाई प्रेशर रेशियो, लाइटर होगा, ठीक है ना। एफिशिएंसी देखोगे इंजन की, तो ये अभी वो जो फाइडेक वाला जो चार्ट है उससे है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे, एंटी सर्ज ब्लीड वाल्व वेरिएबल स्टेटर वेंस। अब देखो एक क्वेश्चन ये कैसे आता है, अभी आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, मैंने एक दो सेट कराया भी है ना प्रीवियस के लेक्चर्स में, तो वहां पे बताया भी होगा कि स्टेटर वेंस होगा ना तभी होगा, रोटर वेंस नहीं करेंगे, समझ पा रहे हो। हेलो, यस सर। 49 आप देखोगे, 49 रोटर वेंस में टिक करना, रोस्टर वेंस आपका गलत हो जाएगा, तो ये रोटर वेंस कल के भी आता है और ए भी लिखा भी होता है, तो वहां पे गलत हो जाते हैं, काफी लोग समझ जाते हैं कि जल्दी जल्दी में टिक करके निकल जाते हैं, तो गलत हो जाता है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन देखो जो मैं बता रहा था, लिख के आया ना ये, अभी ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया, ठीक है ना, एक इस तरह से भी पूछ रहा है, तो आप सिंपली समझ सकते ये सब तो नहीं होता है, बर्नर वर्नर की बात हम करते नहीं है, केवल प्रेशर टैट टीपीपी ही आते हैं, तीन ही होते हैं उसके इनपुट, डीआइसिंग एंटीआइसिंग हाई प्रेशर कंप्रेसर से ही हम लोग क्या लेते हैं, हॉट एयर लेते हैं, ठीक है ना। देखोगे ड्यूल एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की बात करोगे तो क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि एचपीसी को चलाते हैं स्टार्टर से, है ना, ड्यूल एक्सियल फ्लो इंजन में हाई प्रेशर कंप्रेसर को चलाओगे काम बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। यस सर। एमपीसीएस रिगार्डिंग एग्जॉस्ट डक्ट, रिलेटिव हाई प्रेशर, ठीक है, लो वेलोसिटी गैस लीकिंग टरबाइन करता है, ठीक है, डक्ट सर्व करता है सीरियल मोशन को कम करता है ना, एग्जॉस्ट डक्ट, तो ये भी सही है, बहुत एंड भी, ये भी प्रीवियस में आपका आया था, मीन्स सारे क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ वही आया हुआ, ठीक है ना, जो नहीं आया होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ये नहीं है, बट हमने वैसे क्वेश्चन को मैंशन ही नहीं किया जो नहीं आया हुआ है, ठीक है। 53 वो जो लास्ट वाला मैं बोल रहा था ना आपको, एकदम लास्ट में जो मेंशन किया है प्रीवियस के बाद से, वो कुछ नहीं है, वो एक भी आया हुआ नहीं है, और वही क्वेश्चन आपको ना अलग वाले पीडीएफ में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो डब्ल्यू ओ कर लेते हो वैसे, ठीक है ना, वो बकवास मत करना, वो कभी आया नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो वही वाले क्वेश्चन है, या फिर आप देखते हो कि कुछ अदर पीडीएफ भी हैं जिसमें 160-161 क्वेश्चन देखते हैं, वही वाले क्वेश्चन है, वो कभी नहीं आए हैं, वो केवल बकवास है, उसे करने का कोई प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना, तो उसको करना नहीं है, इसलिए मैं मना कर रहा था, मेंशन किया था बट मैंने किया नहीं था, वो किसी काम का नहीं है। ऑगमेंटेशन और आफ्टर फायर यूज्ड इन 2020 कर रहा हूँ, ऑगमेंटेशन और आफ्टर फायर सिस्टम, तो बेसिक थ्रस्ट आप पूछता है तो टर्बोजेट के लिए होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखते हो तो टर्बोफैन के लिए होता है, तो मैंने मेंशन कर दिया ना मोस्ट रिसेंट, आप सोचोगे सर ऑप्शन किसको टिक करेंगे, तो मैंने ट्रिगर से देखा था, एक मिनट तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑगमेंटेशन वाली क्या था कि मैंने अब यहाँ से रिफरेंस निकालता ट्रिगर से, अभी देखो यहाँ पे शुरू शुरू में मैंने ट्रिगर में देखा था इसका रिफरेंस, तो मैंने देखो यहाँ पे मार्क किया था कि ऑगमेंटेशन की जब बात करता है या आफ्टर बर्नर की, ठीक है, तो वो टर्बोजेट की बात करता है कि बेसिक थ्रस्ट ऑफ टर्बोजेट रिसेंट इंजन में टर्बोफैन में आता है ना, रिसेंट इंजन में, तो हमने सोचा कि ये दोनों ऑप्शन ही सही है, ये गलत तो है नहीं, तो बात करके आता है तो बात पे टिक कर दोगे, बट अगर बात करके नहीं आता है तो केवल अगर फा वाली बुक की रेफरेंस देखते हो, फा वाली बुक की रेफरेंस, तो फा वाली बुक कहता है कि टर्बोफैन, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे रिसेंट वाला ऑप्शन पे ये मोस्ट अप्रोप्रिएट किया है ना 12 बैक अकॉर्डिंग, तो आप ऑप्शन टिक किसको करोगे, इसको करोगे टर्बोफैन, समझ रहे हो ना, जो रिसेंट में यूज हो रहा है, रिसेंट में टर्बोफैन में ही यूज करते हैं आफ्टर ऑगमेंटेशन या फिर आफ्टर फायर, आप सोचोगे सर आफ्टर बर्नर वहां पे लिखा है, वो वही होता है, ठीक है,
वो टर्मिनोलॉजी वही होती है, कई सारे नाम होते हैं, आफ्टर बर्नर, आफ्टर फायर, जो भी कह लो इसे, या फिर आप ऑगमेंटेशन कह लो, थ्रस्ट ऑगमेंटेशन भी कहते हैं, तो कुछ भी कह लो सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया था कि इसके अकॉर्डिंग बहुत भी हो जाएंगे, बट अभी रिसेंट की बात करोगे तो केवल उसको हम करेंगे। सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर को देखोगे तो इंपेलर एंड डिफ्यूजर दोनों होते हैं। फेडेक के जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं। ये अधूरे क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में थे 2020 में, तो मैंने जस्ट मेंशन कर दिया था। टाइप ऑफ कंप्रेसर आप समझते हो, आउटपुट ऑफ फेडेक समझते हो, ये अभी हम लोग देखेंगे। इज टेकन फ्रॉम एसी N1 स्पूल N2 मीन्स बोथ है, आउटपुट सब होते हैं। देखो आउटपुट ऑफ फेडेक के देखो N1 भी है, N2 भी है, EGT भी है, ठीक है, और EPR भी है। ये आउटपुट ऑफ फेडेक है, श्योर हो इसपे आउटपुट ऑफ फेडेक? यस सर। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना जो सारी कहानी बदल देता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बट जस्ट इस तरह से कुछ अगर आउटपुट ऑफ फेडेक और ये सारे ऑप्शन में से अगर तीन भी मिलेंगे, चार भी मिलेंगे, तो आलम देवो पे टिक करना। बट केवल तीन ही मिलेंगे, आलम देवो नहीं होगा, जब किसी हाउस में लिखता है कि आउटपुट विच इज नॉट आउटपुट फ्रॉम फेडेक, और ये सारे ऑप्शन लिखे होते हैं। अब बताओ, मैं ये कह दिया कि इन चारों में से बताओ कौन से आउटपुट नहीं है फेडेक के, तो आप क्या कहते हो कि सर अरे ये तो चारों आउटपुट ही है, तभी क्वेश्चन गलत लिख दिया। उस केस में हम लोग बात क्या करेंगे उस पर मैं आपको कंफर्मेशन दूंगा, ठीक है, उस केस में हम लोग करेंगे क्या। तो कुछ कुछ डीसी वाले करते हैं ना, वो पता नहीं किस तरह के खेल खेल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही वो लोग दे देते हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही आंसर दे रहे हैं तुक्केबाजी में। लेकिन मुझे लगता है कि जो आंसर बना रहा होता है वो इतना इस तरह से नहीं सोचता है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत वो थियोरेटिकली या फिर प्रैक्टिकली भी सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 14 है, तो थोड़ा बहुत ये लोग प्रैक्टिकल में जाते हैं। प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चन होते हैं, मीन्स प्रैक्टिकली होगा वो क्वेश्चन, पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ से आ रहे हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल दिमाग लगा रहे हैं वो अपने, मीन्स आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्रियल टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं, तो मेरे ख्याल से वो इंडस्ट्रियल के बेसिस पे ही देते हैं। तो वो पूछना चाहते हैं कि कौन सा आउटपुट नहीं होता है फेडेक का, तो उसका आंसर आप टिक करके क्या आओगे उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देखना वो क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, तो उसमें किसी को भी तुक्के मत मार देना कि N1 या N2 या EGT EPR, उसके लॉजिक है, थोड़ा हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, फिर उसको टिक मारेंगे कि क्या टिक करना है। अदरवाइज ये चारों ही आउटपुट होते हैं फेडेक के, ध्यान रखना, अगर आप ट्रिगर की लाइन देखते हो तो। इसको देखोगे तो इम्पोर्टेंट क्या है कि फेडेक रिप्लेस हो जाता है, AC प्लग रहती है इंजन के साथ में। फैन ऑफ टर्बाइन इंजन क्या होता है, तो लो प्रेशर ही होता है ना, टर्बोजेट रैम जेट, है ना, टर्बोजेट रैम जेट पल्स इसमें लिखा गया है। तो टर्बोजेट होता क्या है या रैम जेट, ये सब किस तरह से होते हैं, तो स्मॉल एयर को हाई वेलोसिटी से लेके चलते हैं, यही होता है, स्मॉल एयर होता है, हाई वेलोसिटी होती है। बट टर्बोप्रोप में क्या होता है, हाई एयर होती है, स्मॉल वेलोसिटी होती है, करेक्ट हो? ये टर्बोप्रोप के लिए है। यस सर। टर्बोप्रोप टर्बोप्रोप टर्बोशाफ्ट इंजन, लेकिन ये वाला टर्बोफैन एंड टर्बोजेट के लिए, रैम जेट के लिए, ये सब में होता है। एयर सप्लाई कम होता है उनके पास, आप जानते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा उड़ता है, तो एयर सप्लाई कम है, एयर सप्लाई कम होता है बट वेलोसिटी ज्यादा रखते हैं। लेकिन टर्बोप्रोप टर्बोशाफ्ट में आते हैं तो क्या होता है, एयर सप्लाई ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे उड़ते हैं, एयर सप्लाई ज्यादा है, प्रोपेलर से मिल रहा है एयर पूरा सफिशियंट, बट वेलोसिटी कम है, सिंपल, उससे मतलब मिल जाता है। तो अब देखो आप सोचते हो कि सर ये क्या ही है, मतलब हमें मोमेंटम ही चाहिए ना एक तरह से, तो आप खुद देखते देखो ना, या तो वेलोसिटी बढ़ा लो या तो मास बढ़ा लो, मोमेंटम तो बढ़ेगा ना, इन दोनों में से कोई भी बढ़ाओगे तो आपसे अगर पूछे इस तरह से, मोमेंटम में टर्बोजेट या टर्बोफैन इंजन में मोमेंटम के लिए हम क्या इंक्रीज करते हैं, तो सिंपली आप बताते हो वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, एयर तो कम होती है, मीन्स ये मास ऑफ एयर, समझ पा रहे हो मेरी बात, मास ऑफ एयर तो कम होती है, हम लोग वेलोसिटी बढ़ाते हैं। लेकिन आपका जो टर्बो प्रोप इंजन है, टर्बो प्रोप इंजन, वो क्या करता है, वेलोसिटी लो ही रखता है, मास बढ़ा देता है, ये होता है ना, मीन्स ये मास इसलिए ज्यादा होता है, एयर मास ज्यादा होती है, मीन्स एयर क्वांटिटी ज्यादा है, तो हाई एयर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज लो। तो इस फार्मूले के बेसिस पे तो हमारा काम चल रहा है ना, समझ पा रहे हो लॉजिक? यस सर। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, सब रूल से ही चलता है, हमारे न्यूटन सर बहुत ही समझदार थे, ठीक है ना, उनका ही बर्नर जगह चलता है, तो बस यहाँ पे भी वही है, बर्नर को मेजर करना है तो हम लोग देखेंगे, प्रेशर भी मेजर कर रहे हैं, फ्यूल एयर रेशियो मेजर कर रहे हैं, मीन्स बहुत वाला ऑप्शन है। फेडेक चैनल को आप देखते हो तो फेडेक चैनल क्या करता है, डिसाइड एंड वर्क अल्टरनेट में करते हैं,
ठीक है, एंड चेंज चैनल विद अदर चैनल फेल, है ना। अब देखो कुछ लोग था क्रॉस चेक करते हैं एंड डिसाइड करते हैं बेस्ट चैनल फॉर सप्लाई, ठीक है, डिसाइड एंड वर्क अल्टरनेटली, डिसाइड करते हैं एंड वर्क अल्टरनेटली, ये वाला भी सही है, कंपैरिजन करते हैं और वर्क अल्टरनेटली करते हैं, एंड चेंज चैनल व्हेन वन चैनल फेल, सही है, ये भी होता है कि चेंज चैनल करते हैं एंड अदर चैनल फेल। तो अभी इस पे हम लोग क्या टिक करेंगे, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना, सब ऑप्शन ही सही लगता है, क्रॉस चेक एंड डिसाइड विच चैनल फॉर द सप्लाई, है ना, ये वाला ऑप्शन भी सही है, बट हमने सी वाला पीस टिक किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये जो सी वाला पॉइंट है ना, ये दो ऑप्शंस को ज्यादा ही अप्रोप्रिएट कर रहा है, फेलियर की बात कर रहा है, जब फेलियर की बात होता है तो चैनल क्या होती है, टेक ओवर ही करती है, तो ये बात भी सही था, इसलिए मैंने सी वाले पर टिक कर दिया, ठीक है। बट एक तरह से ये हो सकता है ना कि अगर आप ये सोचते हो अल्टरनेट वहां पे नहीं लिखा है, जैसे कि अल्टरनेट की हम लोग बात नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि हमेशा अल्टरनेट थोड़ी काम करते हैं, कुछ कुछ जो ड्राइवर्स को आप कह रहे हैं कि कुछ ड्राइवर्स को चैनल कंट्रोल करता है, कुछ ड्राइवर को चैनल भी कंट्रोल करते हैं, जब दोनों ही चैनल अच्छे होते हैं तो चैनल काम कर रहा होता है, चैनल भी स्टैंड बाई में रहता है ना, ऐसा केस मिलता नहीं है कि एक ही चैनल पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, तो ये वाला अगर इस तरह से कंसीडर करें तो केवल बी वाला ऑप्शन सही है, तो इसको काट देंगे हम, बी वाले ऑप्शन को सही टिक कर लेंगे। तो मैंने समझा दिया ना, जिस तरह से अकॉर्डिंग में पेपर में आएगा उसके अकॉर्डिंग से इसको टिक करना, बट मैंने अपने लॉजिक से टिक किया, ये भी लॉजिक समझा दिया कि बी वाला कब सही होगा, अगर अल्टरनेटिव लिखा मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर नहीं था कि वहां पर अल्टरनेटिव था कि क्या था, अगर अल्टरनेटिव नहीं लिखा होगा तो बी वाला ऑप्शन को टिक करना ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, सी वाला ऑप्शन गलत होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात। हेलो, यस यस ओके। अब देखो ये फेडेक का आउटपुट में हमने लिखा है ना कि विच इज आउटपुट ऑफ फेडेक, ये सारे ही है, तो ऑल ऑफ द बुक पे हमने मेंशन कर दिया कि ये सारे ही फेडेक के आउटपुट ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या था, विच इज नॉट आउटपुट ऑफ फेडेक था, ठीक है, बट हमने देखा कि यार विच इज नॉट आउटपुट कह रहा है तो ये तो बड़ा गलत सा क्वेश्चन है, ये ऐसा डिसीजन कैसे कर सकता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन फेडेक के आउटपुट है, तो मुझे लगा कि कुछ अलग ही लॉजिक लगा है, इसलिए मैंने इसे ऑल ऑफ द बुक करके ऑप्शन बना दिया ताकि आपको याद रह जाए, उसके लिए हम लोग बात करेंगे अभी कैसे होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे कौन सा ऑप्शन दे रहा है वो, ठीक है, जब वो पूछे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो एक बार नहीं आया है, दो बार पूछा है कि विच इज नॉट आउटपुट ऑफ फेडेक, ठीक है ना। बट अगर आप ट्रिगर देखते हो तो सारे आउटपुट होते हैं, बट उसमें किसको नहीं टिक करेंगे उसको देखेंगे। एफएमसीयू पे बात करेंगे, हम आंसर जानते हो क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, दो परसेप्शन देंगे, उनके अकॉर्डिंग आप टिक करना। एफएमसीयू को देखोगे, एफएमसीयू क्या होती है, यहाँ पे एचबी में होती है, यहाँ पे नहीं होगा, एचबी में होती है, एसेसरी गियर बॉक्स मैंने आपको बताया था, और अटैच्ड टू मींस अटैच्ड होती है एचबी में, याद रखना एफएमसीयू, ठीक है। नोजल गाइड वेन आपका ब्रांचेस हार्नेस नोजल गाइड वेन्स, टैको जनरेटर परसेंटेज ऑफ आरपीएम को ही मेजर करता है, ठीक है, ये भी आशा के ही क्वेश्चन है। 67 देखते हो तो गैस टरबाइन को हाई प्रेशर कंप्रेसर ही रोटेट करना है, तभी इंजन स्टार्ट होगा। आगे बढ़े, अब देखो 68 वाला क्वेश्चन, 68 वाला क्वेश्चन में देखो वो मेंशन किया था जो बात अभी हम लोग करने वाले थे कि हाई प्रेशर कंप्रेसर की बात करते हैं, तो हमने बताया था कि देखो जब क्वेश्चन आता है ना कि एसएल फ्लो कंप्रेसर में क्या है, तो आप बताते हैं कि सर हाई कंप्रेशन रेशियो भी है एंड एफिशिएंसी भी हाई है, और ये बात सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी सही है, बट अगर इन दोनों में कंपैरिजन करो और ये पूछो कि सर स्टेज के अकॉर्डिंग किस इंजन में प्रेशर रेशियो ज्यादा है, तो सेंट्रीफ्यूगल में ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो रेशियो है ना सेंट्रीफ्यूगल का, ये केवल एक स्टेज के लिए, आप जानते हो ना केवल एक ही इंपेलर होता है उसमें, है ना, जो रोटेट कर रहा है एक इंपेलर, देखो ये लिखा है ना, अब और एक्सियल में देख रहे हो तो केवल एक स्टेज की बात करोगे तो कंप्रेशन रेशियो कितना है, 1.25:1, तो आप समझ गए ना कि यस सर, अगर पर स्टेज की बात करें तो पर स्टेज में एक्सियल फ्लो में तो बहुत कम है कंप्रेशन रेशियो, 1.25:1 है, 1.25:1, बट अगर सेंट्रीफ्यूगल की बात करें केवल पर स्टेज के, तो 8:1 होती है, मींस पर एक सिंगल स्टेज पे सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा कंप्रेशन देता है, बट ओवरऑल जब करोगे ना ओवरऑल, तो क्योंकि टर्बाइन आपका जो एक्सियल फ्लो होता है ना उसमें एक स्टेज नहीं होता, बट सेंट्रीफ्यूगल
एक स्टेज या दो स्टेज होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। मैंने बताया था आपको फा वाली बुक से, याद है आपको? हेलो सेंट्रीफ्यूगल में एक एक ही स्टेज कंप्रेसर होगा आपका, वो से क्या बोलते हैं इंपेलर होता है, या दो स्टेज इंपेलर होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। बट क्या होता है एक्सीएल, एक्सीएल का मीनिंग ही है कि हमें बहुत ज्यादा कंप्रेसर स्टेज लगाने हैं, इसीलिए अगर ओवरऑल की बात करो तो एक्सीएल जीत जाता है, मीन्स एक्सीएल में ज्यादा ही कंप्रेसर मिल जाएगा। क्योंकि मान लो अगर 8 स्टेज लगाते हैं तो अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो 1.25 में, देखो कितना कंप्रेसर रेशियो मिल गया। और नंबर ऑफ स्टेज बहुत ज्यादा होते हैं, 16 से भी ज्यादा हो जाते हैं स्टेजेस एक्सेल में, इसलिए एक्सेल इंजन बहुत ही वेट वाला होता है, भारी होता है, ठीक है। बट अगर सिंगल स्टेज के अगर वो कंपैरिजन आपसे पूछ ले तो आप बता देना कि सर केवल सेंट्रीफ्यूगल में ही सिंगल स्टेज में इतना ज्यादा कंप्रेशन मिलता है। तो ये दोनों ही बात मैंने मेंशन कर दी, क्वेश्चन में बस इतना ही लिख आया था, बट मैं याद कर रहा था तो सोच रहा था एक जगह मैं क्या करता हूँ, मेंशन करता रहता हूँ डेटा, ताकि मुझे सारी डेटा एक ही जगह मिल जाए, मुझे हजार बार किताब ना ओपन करनी पड़े, ठीक है ना, इसलिए मैं मेंशन करता रहता हूँ। तो मैंने ये मेंशन कर दिया इसको कि बट सेंट्रीफ्यूगल में 8:1 होता है हाई कंप्रेशन रेशियो। इंजन मेंटेनेंस में आओगे, ये भी फैडेक वाला जो चार्ट है वहीं से है, इंजन मॉनिटरिंग एंड फॉल्ट को आइसोलेट करना है। फैडेक इनपुट देखोगे तो फैडेक इनपुट में आपका प्रेशर एल्टीट्यूड ये सही है, आपका टोटल प्रेशर अटैट मीन्स सारा ऑप्शन सही है। टर्बोजेट में आ जाओगे तो स्मॉल एयर इंटेक होती है, हाई इमरजेंस आपका क्या होता है एग्जॉस्ट होती है। 72 फैडेक में कोई हाइड्रोमैकेनिकल बैकअप नहीं होती है, हा? और लेकिन ये हाइड्रोमैकेनिकल के लिए पूछ रहा है, तो हाइड्रोमैकेनिकल में क्या होता है सेटअप सेक्शन होती है एंड मीटरिंग सेक्शन होती है, ये ऐसा कहना है। हाइड्रोमैकेनिकल में सेटअप सेक्शन एंड मीटरिंग सेक्शन दो सेक्शन होते हैं। कंट्रोल स्प्रिंग का हमने बताया था, ये आपका EHJ से है, इन साइड द बिलो होती है, कंट्रोल स्प्रिंग इन साइड द बिलो, ठीक है, ये EHJ का है। इंटरफेस बिटवीन EFCU एंड एयरक्राफ्ट इंजन, ब्रांच वायरिंग हार्नेस असेंबली, ये यासा से है। इंटरफेस जब भी पूछता है ना EFCU एंड एयरक्राफ्ट इंजन की इंटरफेस बताओ, तो कहाँ पे है ब्रांच वायरिंग हार्नेस असेंबली, मैंने रेफरेंस भी दिया है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा कि क्या पता ये आंसर है तो मेरे से श्योर करना, बट उसे चेंज मत करना, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितनी बार पढ़ा है पूरा मेहनत इसी पे था मेरा ज्यादा, इसलिए मैंने बनाया था, तो कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसे मुझसे श्योर कर लेना बस। एट लो स्पीड टर्बोजेट की एफिशिएंसी, तो एट लो स्पीड पे टर्बोजेट की एफिशिएंसी प्रोपेलर से भी कम होती है, होगा कि नहीं होगा बताओ, प्रोपेलर इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी ज्यादा होती है लो स्पीड पे, तो सही है आंसर प्रोपेलर से भी कम है, इसको टिक कर लेना सी। 75 का सी मेंशन कर लेना, उसमें मेंशन नहीं होगा, ये सी होगा, ठीक है। MDCS में आओगे 2 of 2021, तो EPR जो होता है नॉर्मल मोड होती है, और जो अल्टरनेट मोड होती है एनुअल मोड होती है, यासा में भी है ट्रिगर में भी है। प्रोपल्सिव फोर्स की बात करो तो न्यूटन थर्ड लॉ से ही हो चलता है इंजन आपका एयरक्राफ्ट, प्रोपल्सिव फोर्स मिलेगा, ठीक है ना। बैलेंस की बात करेगा ना तो फर्स्ट लॉ लगा देना, बोल देना फर्स्ट लॉ, और बोलेगा कैलकुलेट कैसे करेंगे थ्रस्ट तो कह देना सेकेंड लॉ, ठीक है। वैसे फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ही पूछा है कि बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम पूछता है कि इक्विलिब्रियम कब मिलती है, इक्विलिब्रियम फर्स्ट लॉ से ही मिलती है, ठीक है ना, और केवल थ्रस्ट का पूछा है तो थर्ड लॉ टिक करना। 78 क्या है, एसी का लोकेशन कहाँ होता है, तो इंजन के पास ही होता है ना, नेसल एरिया में कूल होता रहता है जब तक इंजन चलता रहेगा, लोअर लेफ्ट फैन गैस विद द शॉक माउंट, याद रखना एरिया ऑफ इंजन नेसल दैट कूल ड्यूरिंग इंजन ऑपरेशन लोअर लेफ्ट फैन गैस विद द शॉक माउंट, ये पूरा लाइन है उसकी, ये पूरा ही ध्यान रखोगे अभी श्योर, यहाँ तक कोई डाउट है अभी आगे बढ़े यस। अब देखो थियरी है कुछ है ना, ट्रिगर की थियरी है, तो ग्रॉस थ्रस्ट देखा था हम लोगों ने, रैम ड्रैग देखा था। ग्रॉस थ्रस्ट क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ एयर है जो इंजन की तरफ आ रही है वो सारा ग्रॉस थ्रस्ट में इंक्लूडेड होती है। बट हमने बताया था ना क्योंकि जब वो एयर वेलोसिटी इंजन के अंदर इंटेक होती है ना तो कुछ लॉस होता है, उस लॉस को रैम ड्रैग कहते हैं, है ना। कोई भी नॉजल ऐसे ओपन है जब एयर आ रही है ना तो एयर वेलोसिटी पूरी ग्रॉस थ्रस्ट हो गई, जितना टोटल एयर आ रही है टोटल एयर जो आ रही है वो ग्रॉस थ्रस्ट है, बट जब इंजन के अंदर आती है ना तो कुछ लॉसेस होता है एयर का,
वो जो एयर का लॉसेस है वही रहने रहेगा। तो अब नेट थ्रस्ट कैसे मिलेगा, नेट थ्रस्ट तो आपने देखा सर, नेट थ्रस्ट ग्रॉस से हमें ये जो इसका लॉसेस है ना रैम इसको घटा देना है। देखो यही क्वेश्चन था ना अभी आपके पेपर में, वो जस्ट ऑन डिमांड का जहाँ बता रहा था आपको, यही क्वेश्चन है। अब वो अगेन अगेन आता है, उसको ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी होता है, तो टेंशन मत लेना, ये हमेशा ऑल ऑफ द अबव भी होता है और ये फॉर्मूला आपका हो जाता है, नेट थ्रस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस थ्रस्ट माइनस रैम ड्रैग। क्लियर हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ब्रेटन साइकिल बताया था कांस्टेंट प्रेशर इंजन पे काम करता है, याद रखना साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर होती है, ध्यान रखना वो अब जब अगर पूछ लिया तो इसलिए मैंने मेंशन किया, तो ध्यान रखना ब्रेटन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है ना। तो मेरे से इंटरव्यू में यही पूछा था, ठीक है, मेरे से इंटरव्यू में यही पूछा था ब्रेटन साइकिल व्हाट इज द ब्रेटन साइकिल, मैंने सब बताया कि मतलब प्रिंसिपल इसके समझा दिया कि ऐसा है, फिर वो पूछ रहा है कि फिर मेरे से हिंदी में लगा पूछने, वो सिंपली मेरे से बोल रहा है कि ब्रेटन साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर होता है, आप ये एक्सप्लेन करो ये कैसा है, जब थोड़ा सा ट्रिगर में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर इंजन किस तरह से है, तो मेरे से पूछ रहा था, मैंने थोड़ा सा बताया, फिर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, मुझे लगा कि वो उतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा सर थोड़ा समय पास रहा उसमें, तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने कहा चलो ठीक है, फिर वो दूसरा क्वेश्चन लगा करने। अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर देते हो ना तो वो लोग सामने से कुछ करते नहीं है ना, बट अब जब घबरा जाते हो ना कि जैसे ऐसा कि नहीं मैं मुझे आता ही है ऐसा कुछ, तो फिर लोगों को थोड़ा निगेटिव लगता है कि क्या है इसको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, बट आप थोड़ा सा बताते हो बट वहाँ पे कन्फ्यूज होते हो, तो जस्ट सॉरी बोल के हट जाओ कि नहीं सर मैं फंस रहा हूँ ऐसा, ठीक है, या रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सिंपली आप वहाँ पे रिमूव हो जाओ, जस्ट गलत बताना ना सही नहीं होता है, ठीक है, तो गलत नहीं बताना चाहिए, गलत बताने पर उनको लगेगा कि इससे आपने नहीं बस फेंक रहा है हर एक आंसर, ठीक है, ऐसे होते हैं। हम लोग आगे आएंगे SHF, तो हमने बताया था कि जब आप टर्बोशाफ्ट इंजन पे आते हो तो SHF SFC निकालते हैं, बताया था ना SFC एंड TSFC टर्बोजेट के लिए निकालते हैं, या टर्बो फैन के लिए भी यही निकालते हैं, TSFC थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन शाफ्ट के लिए, और ESFC इक्विवेलेंट शाफ्ट फ्यूल कंजप्शन टर्बोप्रोप के लिए निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोनों, तो टर्बोशाफ्ट के लिए भी पूछ सकता है आपसे, टर्बोशाफ्ट में क्या निकालते हैं, आप बता दो SFC निकालते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, कोई डाउट है यहाँ तक? सेंट्रीफ्यूगल पे आ जाते हो, सेंट्रीफ्यूगल में हम लोगों ने देखा ना हर स्टेज पे क्या होती थी, प्रेशर बढ़ जाती है ना, एफिशिएंसी क्या होती है, रोटेशनल स्पीड रेंज तक होती है, इसके वजह से ज्यादा होती है, जितना आरपीएम होगा उतनी एफिशिएंसी होगी, सिंपल डिजाइन होता है, लो कॉस्ट भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल लो वेट होगा, लो स्टार्टिंग पावर रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो जब एक ही स्टेज है तो कितना भारी मोटर तो लगेगा नहीं ना ज्यादा, स्टार्टर वाला उतना पावरफुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी पावरफुल होगा तो काम चल जाएगा। अब ये दोनों लाइन को रेड में क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों लाइन, ये पूरी लाइन्स आपके फा में दी होती है, तो ये फा से पूछता है ना, लेकिन ये दोनों लाइन आपके EHJ में दी हुई है, सॉरी ट्रिगर में दी हुई है, इसलिए इसको रेड में लिखा था, इसी इंजन के बारे में, इसी कंप्रेसर्स के बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाई थ्रस्ट, अभी देखो ऊपर वाले सारे लाइन आप देख के आ गए हो सर, वो सारे लाइन थे कौन कौन से, हाई प्रेशर पर रेशियो एफिशिएंसी वाला नहीं पूछे गए हैं, और ये मैन्युफैक्चर लॉस वाले भी पूछे गए हैं, लो पावर रिक्वायरमेंट्स वाले भी हैं, ये भी पूछा है अभी आपको प्रीवियस में मिलेगा कि हाई थ्रस्ट ऑफ डिजाइन कौन होता है, तो बता दोगे किसको FOD से कोई दिक्कत नहीं है, तो सोचो एक है पूरा स्ट्रॉन्ग खड़ा सा पहाड़, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट एक ऐसा आदमी है जो बहुत पुरुजों में बना हुआ है, तो वो बिखर जाएगा तुरंत, समझ पा रहे हो मेरी बात, तो बहुत लॉजिकली भी आंसर दे सकते हो आप। आपको देखो डिजाइन पता है ना कि सर सेंट्रीफ्यूगल है ना, सेंट्रीफ्यूगल एक पूरा असेंबली है ना, एक ही होता है, उसमें कई सारे फैन और ब्लेड, तो सिंपली उसको लॉस कम होगा, लेकिन अगर आते हो तो कंफर्म है कि अगर उसे एक ब्लेड बना रहे तो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि लॉस ना हो उसे, सिंपली। लेकिन जो एक्सेल होता है उसमें काफी सारे ब्लेड लगा दिए, तो आप जानते हो कि जहां पे काफी सारे ब्लेड होंगे वहां पे जैसे ही बर्ड हिट होगा खत्म, या फिर जैसे FOD आने वाला है वो खत्म हो जाएगा, तुरंत ही टूटने वाले हैं ब्लेड्स, कंफर्म टूटेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल जो एक्सियल फ्लो होता है ना उसको ज्यादा दिक्कत होती है, तो रेजिस्टेंस जो होती है FOD का ना उसमें कम होता है, तो याद रखना लो रेजिस्टेंस टू FOD सेंट्रीफ्यूगल में होती है, देखो यहाँ पे लिखा है ना मोर ससेप्टेबल टू FOD, अब ससेप्टेबल मतलब कि दिक्कत इसको ज्यादा है,
दिक्कत स्क्वायर फोर्टी से ज्यादा है, सिंपल तो आप समझ जाते हो कि सर मोर ससेप्टिबल कह रहा है तो यही है, बट हमारा सेंट्रीफ्यूगल है ना उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे था ना हाई टॉलरेंस ऑफ डिजाइन, मतलब डिजाइन की टॉलरेंसेस बदल सकती है, वेरी कर सकता है, आप लोकेशन कर लो ना कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी लोकेशन करोगे हमारा कंप्रेशन एरिया वही होगा। बट देखो ये मोर सेंसिटिव टू ऑफ डिजाइन होती है, मींस इसमें आपका जो टर्बाइन ब्लेड्स है ना एग्जैक्ट लोकेशन होना चाहिए, समझ पा रहे हो मेरी बात? जब एक कमरे में 10 लोगों को रखना है तो अरेंजमेंट बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, जब एक कमरे में एक लोग रहना है तो कहीं भी जाके लेट जाना है कहीं भी, ठीक है ना, उसमें हमें सोचना नहीं है ज्यादा कि हमें रखना है हमें कहीं भी लेट जाएंगे इधर इस साइड सिंपली। बट जब काफी लोगों को रखना है तो हमें अरेंजमेंट रखना है, तो जस्ट यही सिंपली एक बेसिक थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा सेंसिटिव होता है ऑफ डिजाइन से, इसमें ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे टॉलरेंस बहुत कम होता है, ज्यादा टॉलरेंस नहीं रख सकते, टॉलरेंस आप समझते हो ना वेरिएशन, ये नहीं हुआ तो ये कर लो, ये नहीं हुआ तो ये कर लो, या फिर इतना एरर चल सकता है, यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्टेजेस है, दिक्कत हो जाएगी सबको, एक को डिस्टर्ब करोगे सारे स्टेज डिस्टर्ब हो जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही है, एक ही आदमी है, एक ही कमरा, जहां मंदिर है वहां सेट कर दो, कंप्रेशन रेशियो हमेशा होने की मिड में होगा, सिंपल, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हाई टॉलरेंस ऑफ डिजाइन है। क्लियर है दोनों पॉइंट अभी इन दोनों के? Yes, तो थोड़ा सा लॉजिकल चीजों में, जब लॉजिकल जब चीजें नहीं समझ में आती ना थ्योरेटिकल में, तो थोड़ा लॉजिकल में घुस जाना चाहिए, मींस चले जाना चाहिए, रिलेट कर लेना चाहिए, तो आप इजीली समझ जाते हो, है ना, वहां फंसते नहीं। टोटल कंप्रेशन वाला देखो, ये क्वेश्चन आया था कि रोटर और डिफ्यूजर के बीच में पूरा टोटल होती है कंप्रेशन, एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने मेंशन किया था कि डिफ्यूजर डज नॉट वर्क ऑन द एयर, याद रखना, इंपेलर ही तो एयर को कंप्रेस करने का काम करता है, डिफ्यूजर का कोई काम होता है क्या एयर पे, बताओ? डिफ्यूजर के जस्ट बाद से क्या होता है, कंबशन चैम्बर होता है, तो डिफ्यूजर क्या करता है, केवल गाइड करता है कि एयर आ जाओ कंबशन में जाओ, तुम्हें जलना है, ठीक है ना, आप कंबशन में जाओ, तो वो केवल गाइड करता है डिफ्यूजर, है ना, या फिर एयर प्रेशर को खत्म करता है सिंपली, और कुछ नहीं करता है, एक वे प्रोवाइड करता है ना, एक जैसे कि यहाँ पे है ना ये रोटेट कर रहा है, डिफ्यूजर यहाँ पे रुका हुआ है ना, ये घूमता नहीं है, ये हमारा इंपेलर है, ठीक है ना, वो रोटेट कर रहा है, ये इंपेलर इस तरह का, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, सारा एयर सेंट्रीफ्यूगल से ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता है, आपको पता है ना, मैंने बताया था ना 90 डिग्री टू जाता है एयर सर सब, क्योंकि ये तो पूरा हार्ड डिस्क होता है ना, तो ऐसे डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, इसमें होल तो कर नहीं देंगे इनके अंदर, क्योंकि पूरा हार्ड डिस्क है, और ये इस तरह से बनाया गया ना, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल समझते हो ना 90 डिग्री पे ऐसे निकल रहे हैं एयर, और यहाँ पे डिफ्यूजर होता है, तो कंप्रेशन इनके बीच होगा कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रेशराइज होगा इसमें यार, और डिफ्यूजर क्या करता है, एक गाइड करता है कि किस एंगल पे भेजना है, तो गाइड करता है सिंपल सा, तो समझ गया ना कि डिफ्यूजर एयर पे कोई वर्क नहीं करता, क्लियर है? यस सर। तो ये वाली लाइन, तो वाला पॉइंट लिखोगे, कंप्रेशन पूछ रहा है कि कंप्रेशन क्या होता है, तो हाई कंप्रेशन रेशियो फॉर लो फ्यूल कंजप्शन, कंप्रेशन जितना ज्यादा रखोगे ना फ्यूल कंजप्शन बहुत कम होगा, अगर कंप्रेशन ज्यादा नहीं रखोगे तो फ्यूल आपका कंबशन भी ज्यादा होगा, कंजप्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए कंप्रेशन ज्यादा रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है टू वाला, बट फिर भी हमने मेंशन कर दिया। अभी आ जाओ सेंट्रीफ्यूगल के डिसएडवांटेज, सेंट्रीफ्यूगल में डिसएडवांटेज क्या था, फ्रंटल एरिया ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है ना, ध्यान रखना फ्रंटल एरिया ज्यादा नहीं मिलता, लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, एयर लॉसेस ज्यादा है, एक्सेल में आ जाएंगे, एक्सेल में हाई पीक एफिशिएंसी है, स्मॉलर फ्रंटल एरिया है, तो देखो जो इसके डिसएडवांटेज है वही इसके एडवांटेज हो जाएंगे, एक्सेल की डिफरेंट यही होगा, और जो एक्सेल के डिसएडवांटेज होंगे ना वही एडवांटेज हो जाएंगे उसकी सेंट्रीफ्यूगल की, इसमें देखो डिसएडवांटेज था ना लार्ज फ्रंटल था, तो इसका एडवांटेज क्या होगा, स्मॉल फ्रंटल, सिंपल, उसमें लार्ज फ्रंटल थी यहाँ पे स्मॉल फ्रंटल कर दिया, वो हमारा एडवांटेज में ले लिया डेटा को सिंपली, स्ट्रेट थ्रू फ्लो होता है ना, हाई रेम एफिशिएंसी होती है, इंक्रीज्ड प्रेशर होता है हर स्टेज पे, बढ़ते जाते हो प्रेशर बढ़ता जाता है, कोई लॉसेस नहीं है, यही प्रॉफिट है, बट सेंट्रीफ्यूगल में स्टेज पे लॉसेस मिलता है, क्योंकि वो ये जो इंपेलर है ना बड़ा अजीब टाइप का, ये जो बना पड़ा है ना इंपेलर, ये करता क्या है, एयर प्रेशर को ऐसे सीधा तो जाने नहीं देगा, ऐसे 90 डिग्री से कह रहा है कि भैया इस तरह से जाओ, हम ये जाने देंगे क्योंकि मैं एक हार्ड डिस्क हूं, तो मेरे को होल्ड करके तो जाओगे नहीं, तो ऊपर से जाओगे आप, समझ रहे हो ना, लॉस करता है ना एयर को, फिर
एयर की जो काइनेटिक वेलोसिटी है उसे लॉस होगा कि नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात? यस सर, तो लॉस होगा। और जस्ट ये जो आपका टर्बाइन है ब्लेड, वो सिंपली इस तरह का ब्लेड है ना, जो भी है आप कुछ भी ऐसे, हम सिंपली हम दिखा रहे हैं फ्रंटल एरिया हमारा, देखो तो एयर आएगा सिंपली ऐसे निकल के चला जाएगा। वो कह रहा है भैया आप आराम से जाओ, हमें से कोई दिक्कत नहीं है आपसे, इसलिए लिख दिया विद नेग्लिजिबल लॉस। जितने भी स्टेज है वो सीधा ही भेजते जाते हैं, मीन्स पैरेलल टू द सॉफ्ट एयर इसमें जाता है, इसलिए इन लोग का ये डेफिनेशन भी है कि सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है कि इसमें जो एयर का फ्लो होती है वो 90 डिग्री होती है ना, सॉफ्ट से 90 डिग्री, ये सॉफ्ट है अभी ये पूरा, इसे 90 डिग्री होके फिर टर्न हो रही है, फिर पैरेलल होती है ना। बट सेंट्री आपका एक्सियल में देखोगे तो एक्सियल में क्या है, पैरेलल टू द ही सॉफ्ट होती है, इसलिए यहाँ पे लॉसेस को मिलते हैं। आप बता दोगे नेग्लिजिबल लॉसेस, हर स्टेज पे लॉसेस नेग्लिजिबल है, इसलिए जब ओवरऑल करते हो तो कंप्रेशन रेशियो अच्छा होता है यहाँ पे। मोर सेसेप्टेबल आपको समझा दिया, सेंसिटिव ऑफ डिजाइन में समझा दिया, ठीक है ना। आइडियल कंप्रेशन रेशियो कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम प्रेशर इन टेल पाइप, यही आइडियल कंप्रेशन रेशियो का मीनिंग है, ठीक है। थोड़ा सा एक तो डिसएडवांटेज आप देखते हो, तो डिसएडवांटेज में गुड एफिशिएंसी, नैरो स्पीड, मीन्स बहुत ज्यादा आरपीएम करोगे तो उस पर नहीं होता है, तभी एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। नैरो पे हो जाएगा ना, रोटेशन पे तो उतना अच्छी नहीं है। डिफिकल्टी है, मैन्युफैक्चरर हाई कॉस्ट है। अब देखो वहां पे क्या था, लो कॉस्ट थी, लो वेट था, यहाँ पे हाई कॉस्ट है, हाई वेट है ना, और डिफिकल्टी है, वो इजिली बन जाता था, इसमें डिफिकल्ट है। हाई स्टार्टिंग पावर, ये इसकी डिसएडवांटेज है। उसकी एडवांटेज क्या थी सेंट्रीफ्यूगल में, कि लो पावर स्टार्टिंग चाहिए। अब क्यों चाहिए, लॉजिक है आपके पास, क्या लॉजिक है कि सर वो वेट कम होता है, तो वेट कम होता है तो घुमाने में हमें कम चाहिए ना इनर्जिया, समझ पा रहे हो, रोटेशनल इनर्जिया तो कम चाहिए ना। जैसे कोई हल्की ऑब्जेक्ट है, बहुत वेट कम है, तो सिंपली आप हाथ से उसे मूव कर सकते हो, बट भारी होगा तो क्या होगा, घुमा पाओगे उसे, मूव करा पाओगे नहीं, सिंपल सी बात है। मीन्स अब मोटर तो ज्यादा चाहिए, पावरफुल चाहिए ना, अब वो सिंपल सा एक ही स्टेज है, सिंपली मूव कर जाते हैं, मीन्स छोटा सा स्टार्टिंग स्टार्टर मोटर लगा दोगे घूम जाएंगे लो टार्क वाले। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेजेस तो ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा पावर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। क्लियर हो इस बात से? कंबशन चैम्बर में हमने बताया था हाईली ऑप्टिमाइज्ड डिस्प्ले होती है, वेपराइजिंग ट्यूब्स होती है। यहाँ पे 25% ऑफ जो एयर होती है ना वो कंबशन प्रोसेस में भाग लेती है, याद रखना। जो एयर इनटेक हो रही है वो केवल 25% ही एयर एक्चुअल कंबशन में भाग लेती है, बाकी एयर तो निकल जाती है एक्चुअल कंबशन में, क्योंकि रुकेगा नहीं ना, क्योंकि ये तो काम चलता रहता ना, वो एयर जाती ही रह रही है, आगे बढ़ती रह रही है। ऐसा थोड़ी है कि वो कंबशन चैम्बर में जाके आराम कर रही है कि पहले मैं पूरी तरह से जल जाऊं, जब मैं जल जाऊंगी तो फिर मैं टर्बाइन को स्ट्राइक करूंगी और मैं बोलूंगी तुम क्यों जला रहे हो हमें, हमें जाने दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो एयर तो वो हमेशा आगे ही निकलते वाली है ना, सिंपली वो जाने ही वाली है, जाने ही वाली है। तो एक्चुअल जब हम लोग निकालते हैं तो 25% ही एयर एक्चुअल कंबशन देती है, समझ रहे हो मेरी बात? इग्नाइटेड प्लग क्या होता है, अपस्ट्रीम में होता है, अपस्ट्रीम मीन्स अपस्ट्रीम कहने का मतलब ये बाद में, किसके बाद में, बर्नर है ना, तो अपस्ट्रीम रिवर्स फ्लो रीजन आउट ऑफ द बर्नर, बस याद रखना, यूजुअली इंडिकेटर अपस्ट्रीम, ऐसे ये पूछा नहीं गया है। नॉजल का क्या होता है, मेजर पार्ट होता है इन बर्नर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो नॉजल डिजाइन भी बहुत जरूरी है, इसलिए तो हम लोग अलग अलग नॉजल पढ़ रहे हैं ना, कैन एनुलर एनुलर, इसलिए तो पढ़ रहे हो आप। बर्नर के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ये क्वेश्चन आते ही है कि प्रेशर इनलेट आईएटी एंड फ्यूल एयर रेशियो वेलोसिटी, यही इम्पोर्टेंट है ना बर्नर के परफॉर्मेंस के लिए। कंबशन चैम्बर का परफॉर्मेंस नहीं पूछा, ठीक है ना, कंबशन चैम्बर का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, तो स्टेबल ऑपरेशन होना चाहिए, हाई कंबशन एफिशिएंसी, लो पावर प्रेशर, स्मॉल साइजेस, नो कार्बन फॉर्मेशन, लो स्मोक बर्नर। तो कंबशन चैम्बर के बारे में नहीं पूछा, बस बर्नर पूछा है, तो बर्नर वाला ही ध्यान रखोगे, प्रेशर इनलेट एयर टेम्परेचर फ्यूल एयर रेशियो एंड फ्यूल वेलोसिटी, सिंपल। अब सोचो इसमें क्या है, प्रेशर अच्छा होना चाहिए तभी तो हीट रहेगा एयर, इसलिए हम लोग प्रेशराइज करते हैं कंप्रेशन सेक्शन में। एयर टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोल्ड एयर है एकदम तो फिर तो दिक्कत है, उसे और ज्यादा कंप्रेशन करने की जरूरत है। फ्यूल एयर रेशियो सही होना चाहिए तभी बर्निंग होगा पूरा, वेलोसिटी भी अच्छा होना चाहिए। अब सोच के देखो, हल्का फूक मारते हो तो आग लग जाती है, बट तेजी से फूक मारोगे तो घुस जाने वाला है, वो इग्नाइट होने वाला नहीं है। तो समझ गया ना वेलोसिटी कितना जरूरी है, ज्यादा वेलोसिटी होगा तो बर्निंग होगा ही नहीं फ्यूल का, ठीक है ना। तो वेलोसिटी भी एक अकॉर्डिंग पे ही रखना है, एक रेंज पे ही रहता है, समझ पा रहे मेरी बात? यस।
टरबाइन का फंक्शन क्या है, कंप्रेसर एसेसरीज गेयर टर्बो प्रोप वगैरह चलाना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। नॉर्मल गाइड वेन वाला पे भी आ जाओगे तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसको भी आप छोड़ देना है ना। जो बोल्ड बोल्ड पॉइंट हमने किया है एक बार बस देखना। एग्जॉस्ट डक्ट में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला लाइन जो आपका पेपर में आता है, ये एग्जॉस्ट डक्ट क्या करता है, हाई प्रेशर होती है, लो वेलोसिटी गैस लीव करती है, यही क्वेश्चन आया है। एक्सेलरेट करती है सोनिक या सुपर सोनिक में, ठीक है, और स्विरल मोशन को कम कर देती है। ये क्वेश्चन ऑप्शन पूछा है, ये वाला ऑप्शन यहाँ तक पूछा है, और ये वाला ऑप्शन यहाँ से पूछता है कि डक्ट आल्सो सर्व एज द रिड्यूस एनी स्विरल। तो ये ए एंड बी वाला ऑप्शन सही होता है, बहुत ए एंड बी ये क्वेश्चन पूछा गया। कंस्ट्रक्शन वगैरह पे नहीं जाओगे, वैसे स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है ना। ये दो तरह के नोजल होते हैं, नोजल टाइप याद रखना, दो तरह के होते हैं, एक कन्वर्जेंट टाइप का होता है, एक कन्वर्जेंट आपका इस तरह से है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का, दो तरह के नोजल होते हैं, ठीक है। जो कन्वर्जेंट नोजल होता है वो फिक्स रहता है एरिया, वो बदल नहीं सकता, बट जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है वो थोड़ा सा एरिया को वैरी भी कर सकता है। तो दो तीन बातें आप बेसिक का देखोगे, पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है। थ्रस्ट इन्वर्सर से भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बट हमने मेंशन कर दिया कि दो तरह के थ्रस्ट इन्वर्सर होते हैं, एक पोस्ट एग्जिट होता है, एक प्री एग्जिट होता है। नाम याद रख सकते हो, पोस्ट एंड प्री, ये दोनों ही थ्रस्ट रिवर्सर है। और ये तो बिल्कुल मत देखना, ये किसी काम के नहीं है, ये ट्रिगर के लाइन से, बट ये किसी काम के नहीं, ये कभी नहीं आते। गैस टर्बाइन इंजन अभी पूरे ट्रिगर के ही हमने मेंशन किया है, इनके बारे में आप देखते हो, चार इंजन है, टर्बोजेट, टर्बोफैन, टर्बोप्रोप, टर्बोशॉफ्ट, है ना। हमने एक्सेल के बारे में बताया, और रिलेशन पावर स्टेजेस, टर्बोजेट क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन पे काम करता है, ये याद रखना, टर्बोजेट रिएक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, और टर्बो फैन ये भी रिएक्शन पे काम करता है। आपसे पूछता है कौन कौन से रिएक्शन प्रिंसिपल पे हैं, ठीक है, बट टर्बोजेट जो होता है ना वो रिएक्शन प्रिंसिपल पे काम तो करता है, बट स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी। आप सोचो कि रिएक्शन प्रिंसिपल के थ्रस्ट देना है ना, तो रिएक्शन ही तो होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, कुछ नया इसमें बता रहा है क्या? आपको बेसिक सब ऐसे ही पता है, सर थ्रस्ट इंजन है तो रिएक्शन पे ही तो काम करेगा, इसलिए रिएक्शन प्रिंसिपल कह दिया। बट टर्बोजेट में हमने बताया था ना, क्योंकि हमें एयर से ही थ्रस्ट मिलेगा तो वेलोसिटी स्ट्रीम की ज्यादा होनी चाहिए, मैंने बताया था ना, हायर वेलोसिटी होना चाहिए। हेलो, बताया था वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा रखनी है। बट हमने जब बताया था आपको टर्बो फैन में, तो शायद आप रिकॉल कर पाओ कि टर्बो फैन में क्या होता है कि वहां पे एक प्रोपेलर भी फैन भी लगा दिया, तो फैन से ये होता है कि सर कुछ हमारा जो थ्रस्ट होता है फैन से मिल जाता है, मींस मैक्सिमम थ्रस्ट हम फैन से ले लेते हैं, और कुछ परसेंट में थ्रस्ट क्या करते हैं, एग्जॉस्ट से लेते हैं। बताया था आपको टर्बो फैन में, तो यहाँ पे अब वेलोसिटी उतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है कंपेरिजन टू टर्बोजेट, इसलिए हमने कह दिया लोअर एनर्जी लेवल। इसमें जो एग्जिट करता है वेलोसिटी ना, जो एयर निकलता है एग्जॉस्ट से, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, लो रहती है। बट टर्बोजेट में आते हो तो जो बाहर आती है ना एयर एग्जॉस्ट में, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बट इनमें क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम कुछ थ्रस्ट फैन से निकाल लेते हैं, कुछ थ्रस्ट एग्जॉस्ट से निकालते हैं, सिंपल। इसलिए ये मिड टाइप का हो जाता है ना, दोनों का ट्रांसजेंडर टाइप का इंजन है ना, दोनों का मिक्सिंग कर दिया हमने, टर्बो प्रोप एंड टर्बोजेट का मिक्सिंग कर दिया। जेट इस तरह से काम कर रहा है क्योंकि इसको हाई वेलोसिटी पे ये काम करेगा, मीन्स एयर कम वेलोसिटी ज्यादा। ये एग्जिट की बात हो रही है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लोअर एनर्जी रहती है आउटपुट में तो इसका मतलब कि लो वेलोसिटी पे काम करेगा, नहीं, वेलोसिटी एयर वेलोसिटी ज्यादा ही होगा। एग्जिट की हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि एग्जिट कैसा होता है, एग्जिट में इसकी वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, तो दोनों ही प्रिंसिपल पे। टर्बो प्रोप टर्बोशाफ्ट एक तरह के इंजन है, ये क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, स्टैटिक एनर्जी को, टेम्परेचर एनर्जी को किसमें में कन्वर्ट कर रहे हैं, टॉर्क में, समझ रहे हो ना। ये टॉर्क प्रिंसिपल पे काम करते हैं ना, ये थ्रस्ट प्रिंसिपल पे काम नहीं करते हैं, रिएक्शन प्रिंसिपल पे काम नहीं करते हैं, बहुत ही कम काम करते हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो आपसे कोई पूछे कि थ्रस्ट इंजन कौन से है, तो आप बताते हो सर कि टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोप, टर्बोजेट एंड टर्बो फैन, क्योंकि वो थ्रस्ट देते हैं। जो टर्बो प्रोपेलर इंजन है एंड टर्बो शाफ्ट इंजन है, ये टॉर्क देते हैं,
तो हम कह सकते हैं ना कि ये बहुत कम ही थ्रस्ट बनाते हैं रिएक्शन से, इसमें रिएक्शन होता ही नहीं है, यही तो हम लोग करते थे ना, क्योंकि प्रोपेलर से ही पूरा थ्रस्ट बना लेना है ना, रिएक्शन से हमें मीन्स एग्जॉस्ट से हम लोग थ्रस्ट नहीं लेते हैं। 90% ऑफ द थ्रस्ट कहां से बना लेते हैं? प्रोपेलर से। और टर्बोफैन में कितना ऑफ द थ्रस्ट? याद रखना 80% ऑफ द थ्रस्ट कहां से बना लेते हैं? फैन से। 20% ऑफ द थ्रस्ट एग्जॉस्ट से, फैन इंजन के लिए। बट आपका जब आते हो प्रोप में, प्रोपेलर इंजन में, तो 90% ऑफ द थ्रस्ट, 90 से 95 भी होती है, 90 to 95% ऑफ द थ्रस्ट केवल प्रोपेलर से बनाते हो, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग टॉर्क इंजन कहते हैं, टर्बोशाफ्ट को टॉर्क इंजन कहते हैं, और ये रिएक्शन रिजल्ट पे नहीं माना जाता है, कहा जाता है यहाँ पे टॉर्क इंजन है, इसलिए इनको टॉर्क इंजन कहते हैं, और उनको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट इंजन कहते हैं। क्लियर है? अभी आगे बढ़ सकते हैं। यस यस। अभी एडवांटेज ऑफ कंप्रेशर, तो सारी बातें वही है जो ऊपर हमने पढ़ा गया है। लो वेट होती है ना, रगननेस होती है ना, एफओडी से ज्यादा इसको दिक्कत नहीं है, सिंपल है, लो कॉस्ट होती है, हाई प्रेशर स्टेज होती है, और टॉलरेंस हाई आती है। सेंट्रीफ्यूगल के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आप देख के समझ जाओगे कि सर ये सेंट्रीफ्यूगल के बारे में ही बात है ना। शेयर उसको अगेन मेंशन करने की कोई नीड नहीं थी, आप ऊपर पढ़ लेते हो, ठीक है। तो टर्बोजेट में फिर वही बात होगी, स्मॉल एयर होगा, हाई वेलोसिटी होगी, ठीक है, और लो थ्रस्ट होगा लो फॉरवर्ड पे। अब ये पूरे गैस टर्बाइन का ही रेफरेंस है, लो थ्रस्ट लो फॉरवर्ड, हाई थ्रस्ट स्पेसिफिक, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा, बताया था आपको ग्राफ में, सबसे ज्यादा फ्यूल यही खाने वाला है, उसके बाद आपका टर्बोफैन, उसके बाद आपका टर्बोप्रोप। टर्बोफैन यहाँ पे होगा, ये टर्बोजेट है और ये टर्बोप्रोप, ये बताया था। सबसे कम फ्यूल टर्बोप्रोप, सबसे ज्यादा फ्यूल खाने वाला है टर्बोफैन, टर्बोजेट। जो ट्रांसजेंडर टाइप का इंजन है ना, मिडिल वाला, जस्ट वो कम ही खाएगा, मीन्स मीडियम में, ना ज्यादा ना कम, इसीलिए फैन इंजन यूज होता है ना। आप ज्यादा फ्यूल भी नहीं खिलाना चाहते, कम भी नहीं खिलाना चाहते, एफिशिएंट इंजन भी चाहिए, इसलिए मिड वाला इंजन मीन्स फैन इंजन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, और इसीलिए हाई बाईपास इंजन यूज करते हैं, ठीक है। हाई बाईपास इंजन करो, जितना हाई बाईपास इंजन यूज करोगे ना, थ्रस्ट फैन से ज्यादा मिलेगा, फैन से, अगर फैन से थ्रस्ट चाहिए तो हाई बाईपास होना चाहिए। 100% हाई बाईपास कर दोगे ना तो एकदम मोस्ट एफिशियंट इंजन होगा, बट हो नहीं सकता, ऐसा बन ही नहीं सकता, 100% हाई बाईपास होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ एयर तो चाहिए ना, कुछ एयर आपको चाहिए कोर के अंदर, जिसके वजह से टरबाइन चलेगा, नहीं तो टरबाइन नहीं चलेगा तो आप समझ रहे हो ना, फैन नहीं चल सकता, मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, कुछ एयर तो चाहिए ही चाहिए, तो 100% हाई बाईपास नहीं हो सकता, ठीक है ना। 100% कर दोगे तो एयर मीन्स जा ही नहीं रहा है फिर कोर में, तो कोर में जाएगा नहीं तो फिर फैन कैसे चलाओगे, टर्बाइन कैसे चलेगा, इंजन स्टार्ट कैसे होगी, तो इसलिए नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता है, ठीक ना। लॉन्ग टेक ऑफ रोल मैंने बताया था, जेट इंजन को ज्यादा ही पावर चाहिए तो टेक ऑफ ज्यादा लेता है ना, फ्रंटल एरिया कम होती है, लो ड्रैग एंड रिड्यूस ग्राउंड क्लियरेंस वाली प्रॉब्लम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पूछे हैं और ये भी इसके बारे में पूछा है। वेट हल्का होता है ना इसका भी, थ्रस्ट के अकॉर्डिंग, और हाई प्रेशर इसमें भी रहेगा, एडवांटेज है, हाई टेम्परेचर तो होना ही है उससे, आपके टर्बाइन इंजन से यहाँ पे प्रेशर इशू अच्छा ही रहता है, क्योंकि चाहे आप सेंट्रीफ्यूगल यूज करो या फिर आप एक्सियल यूज करो, आपको पता है कि सर सेंट्रीफ्यूगल यूज करेंगे तब भी प्रेशर इशू अच्छा होगा, एक्सियल यूज करेंगे तब भी आपका कंप्रेशन इशू अच्छा होगा, तो यहाँ पे कहीं लो वाला है ही नहीं। एडवांटेज क्या है, अब ये वाला ध्यान रखना, टर्बोजेट इंजन हाई स्पीड रहती है, हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग फ्लाइट के लिए इसका यूज करते हैं, तो इसीलिए ये यूज होता था लॉन्ग फ्लाइट के लिए, बट टर्बो फैन और टर्बो प्रूफ नहीं हो पाता है, इसलिए उसको डोमेस्टिक एयरलाइन यूज कर रहे हैं सब। इंडिगो क्यों लिया टर्बो प्रूफ? इसीलिए लिया ना कि वो डोमेस्टिक में उड़ाते रहो एकदम मजे से, आसपास चाइना में भी चीन में भी जाना है नजदीकी एरिया में तो ले जा सकते हो, और यहाँ पे अगर फ्लाई करना है मीन्स दिल्ली टू चीन में जाना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना रूट से, और आप नेपाल में जा रहे हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, पाकिस्तान में जा रहे हो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, जस्ट दिल्ली से अगर फ्लाइट हो। बट अगर कह दो कि अगर दिल्ली से नहीं फ्लाइट हो, आपको चेन्नई से फ्लाइट हो, चेन्नई से अगर पाकिस्तान जाना है तो फिर रूट लॉन्ग हो गई, तो वहां पे फैन इंजन लेके जाओ ना, ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है, क्योंकि फैन इंजन क्या है, फैन इंजन कम फ्यूल भी लेगा टर्बोजेट से, इसलिए टर्बोजेट हट गया,
बहुत कम हो गया. इंडिया में तो सब फैन ही इंजन है, जेट इंजन बहुत कम है, ना के बराबर कोई यूज ही नहीं कर रहा. क्यों यूज करेगा फ्यूल, क्यों खर्च करेगा इतना. इसलिए आपका 70-80% मीन्स आपके ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में केवल फैन इंजन है. प्रोप इंजन पे आते हो, प्रोप इंजन क्या है, मेजोरिटी ऑफ गैस सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल पावर लेते हैं. मैकेनिकल पावर समझ रहे हो ना, टॉर्क, टॉर्क लेते हैं है ना प्रोपेलर को चलाने के लिए. देखो मैंने बताया ना 10% ऑफ द अप्रोक्स कह रहा है, मीन्स बहुत कम है, लगभग कह रहा है, मीन्स इससे भी कम है अभी, ठीक है ना. तो इसलिए बताया था कि थ्रस्ट यहाँ से हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग 90% से ज्यादा थ्रस्ट प्रोपेलर मीन्स टॉर्क लेते हैं, थ्रस्ट नहीं लेते हैं, टॉर्क लेते हैं प्रोपेलर से. और 10% ऑफ द थ्रस्ट हम लोग वहां से ले लेंगे, मीन्स प्रोपेलर से ले लेते हैं टॉर्क. और टॉर्क से ही प्रोपेलर चल रहा है ना, टॉर्क मिल रहा है, प्रोपेलर चला रहे हैं, इसलिए टॉर्क इंजन कहते हैं. तो प्रोपेलर से हमने थ्रस्ट ले लिया आगे बढ़ने के लिए, और 90% ऑफ द थ्रस्ट, और 10% ऑफ द थ्रस्ट जेट से लेते हैं. आप सोचो ना इतना है. टर्बो प्रोप इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, हाई प्रोपल्सिव एफिशिएंसी है लो स्पीड पे भी, शॉर्टर टेक ऑफ है बताया था, जस्ट फ्लाई कर जाएगा, हाई थ्रस्ट एट लो एयर स्पीड है ना. कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होती है, याद रखना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, ठीक है. हैवियर वेट होता है टर्बोजेट से, टर्बोजेट से भारी है ना, याद रखना इसका इंजन भारी है टर्बोजेट से भी. लोवेस्ट टीएफसीसी है, लार्ज फ्रंटल एरिया प्रोपेलर है. तो मिड में कौन होगा, मिड में कौन होगा, मीन्स अब किससे कंपेरिजन कर रहे हो, थ्रस्ट, जिसमें थ्रस्ट ज्यादा है, थ्रस्ट ज्यादा वाला इंजन कौन है, यही है सबसे ज्यादा थ्रस्ट ये देने वाला. कम फ्यूल, फ्यूल के अकॉर्डिंग अगर कंपेरिजन करोगे देन हमेशा हम लोग फ्यूल को लेते हैं, थ्रस्ट को ऐसे नहीं कंपेरिजन करते हैं. इसलिए हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन. तो अगर थ्रस्ट टर्बोजेट ज्यादा देता है तो फ्यूल भी ज्यादा खाएगा, और थ्रस्ट मीडियम में मिलता है टर्बो फैन से तो वो फ्यूल भी मीडियम में लेता है, और थ्रस्ट मिलता है टर्बो प्रोप से बट क्या है, फ्यूल कम ही खाएगा. तो हम अगर फ्यूल की कंपेरिजन करते हैं तो टर्बो प्रोप तो अच्छा है ना, कम फ्यूल पे अच्छा थ्रस्ट मिल जाती है. तो लोवेस्ट टीएफसीसी है, इसलिए कहते हैं लोवेस्ट टीएफसीसी. थ्रस्ट के अकॉर्डिंग फ्यूल बहुत कम खाता है, बट टर्बोजेट में जाते हो ना, थ्रस्ट दे रहा है ज्यादा बट फ्यूल भी तो ले रहा है ना, तो फ्यूल को कंपेरिजन करते हैं थ्रस्ट से, वो फ्यूल बहुत ज्यादा खा जाता है, इसलिए हाईएस्ट टीएफसीसी कहते हैं. और जब आप आते हो टर्बो फैन में तो मीडियम में रहता है ना, इन दोनों के मिड में कर देते हैं. वेट भी इन दोनों के मिड में होता है, टर्बो आपके प्रोप एंड टर्बो फैन, वेट सबसे ज्यादा टर्बोजेट का होगा, ध्यान रखना, ठीक है. फ्रंटल एरिया इसका भी ज्यादा होगा क्योंकि आपका प्रोपेलर है ना, तो फ्रंटल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे थोड़ा मेंटेन करना जरूरी पड़ जाता है, बट वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती है. टर्बोजेट में देखते हो ना, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा मिल जाता है, लो ग्राउंड क्लियरेंस रहती है. यहाँ पे आपको फ्रंटल एरिया देखना पड़ेगा प्रोपेलर की, है ना, लॉन्गर लैंडिंग गियर बनानी पड़ेगी ताकि वो प्रोपेलर थोड़ा वो एबव रहने तो नीचे लग सकता है ना. इसलिए तो पहले आपका टेल वाला लैंडिंग गियर सिस्टम चलता था, अब मेन लैंडिंग गियर सिस्टम है ट्राइसिकल टाइप का. एफिशिएंट थ्रस्ट, देखो यही वाला क्वेश्चन था ना अभी मैं बता रहा था, जो आपके क्वेश्चन जो हम जस्ट शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, क्लियर है. तो जस्ट यही वाला ऑप्शन था. हेलो तो इसलिए मैं बोल आपको सिंपली, मैं जब टॉपिक बता रहा हूँ ना तो अभी तो आप समझ गए होगे कि सर आप जितना बार बोल रहे हो ठीक है, अभी तो आप समझ गए हो ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा याद रखना, इंजन के बारे में याद रखना. हम रिवीजन क्या करके जाने वाले हैं, इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स से एक्स, अब कंप्रेसर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सियल सेंट्रीफ्यूगल, देन पैडेक सिस्टम, देन स्टार्टर, सिंपल. और बेसिक सा हमें क्या कर लेना है, अगर टाइम बच जाए तो सेकेंड वाले चैप्टर के कुछ बेसिक्स याद रख लेना, EPR, N1, N2, ये सारी डेटा याद रख लेना, मेजर कैसे करना है ना ये, बट फर्स्ट एंड सेकेंड वाला अच्छे से करके जाना है, तो आप सिंपली निकल जाते हो पेपर में, कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही है. आप काउंट भी करोगे ना हर एक सेट का, सबसे ज्यादा वही मिलेगा, फर्स्ट एंड थर्ड यही आपको पास कराते हैं. सेकेंड चैप्टर से आते नहीं क्वेश्चन, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, सिंपल सा, एक क्वेश्चन से ज्यादा ही आएगा ही नहीं. अभी काउंट आप करोगे तो देखोगे एक भी नहीं आया कभी कभी, तो ठीक है ऐसे भी है. इसलिए ये वाले पॉइंट्स मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि इनको आपको ध्यान रख के जाना, इनको आपको पढ़ना ही पड़ना.
ये वाला क्वेश्चन आता है कि हैवी लोड को उठा सकता है कम टेक ऑफ पे, मींस कम रनवे यूज करेगा और टेक ऑफ कर जाएगा, है ना, क्योंकि इसको सफिशियंट एयर मिल जाती है ना, नीचे बहुत एयर मिल जाती है, प्रोपेलर घुमा लो, आरपीएम बढ़ा लो प्रोपेलर की, फिर तो एयर मिल जाती है सफिशियंट, फिर टेक ऑफ कर जाता है। बट टर्बोजेट जो इंजन है उसको बहुत ज्यादा आरपीएम चाहिए, वेलोसिटी एयर को कम चाहिए, कम एयर हो हायर वेलोसिटी करेंगे देन एफिशिएंट होगा, तो ये अब ऊपर ही एफिशिएंट होता है, नीचे एफिशिएंट नहीं हो पाता उतना, इसे लॉन्गर टेक ऑफ चाहिए होता है। अब इसके लिमिटेशंस थी, यहाँ पे 500 एमपीएच है, बट जब आप यासा में आते हो ना, तो यासा में मैं बता दे रहा हूँ आपको, यासा में जो इसकी एफिशिएंसी है वो मेंशन करी हुई है, थोड़ा सा कम है इसकी एफिशिएंसी, 300 to 400 सर, कितना है 300 to 400 300 to 400 MPH, हाँ इसको भी याद रखना आप, यास ओके यासा वाला भी याद रखना, ठीक है, बट 500 भी ठीक है, 500 भी इसकी लिमिटेड एफिशिएंसी। कह रहा है ना कि ये जो टर्ब आपका हाई बाईपास टर्बो फाइन वाला इंजन होता है ना, उससे भी ज्यादा एफिशिएंट है, तो हाँ एफिशिएंट तो रहता ही है ना, क्योंकि सबसे कम फ्यूल यही लेने वाला है और थ्रस्ट भी मिल जाती है, इसलिए तो लोवेस्ट एसएफसी कहते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि 20% फ्यूल कम लेता है, 20% टर्बो फैन से, तो इसलिए लाइन हमने थोड़ा सा मेंशन किया, देख लोगे आप। देखो टर्बो फैन में मैंने आपको यासा में भी कुछ टॉपिक बताया था, वो आपके ट्रिगर से भी है कि टू मेथड होते हैं एयर को, फैन एयर को हैंडल करना, या तो प्राइमरी इंजन एयर कर लो हॉट डक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर लॉन्ग डक्ट लोगे ना मिक्स करोगे ना, प्राइमरी में क्या होती है, प्राइमरी में एट रेयर पे लॉन्ग हमें लग जाती है लॉन्ग डक्ट ना, दो तरह की डक्ट लगती है, या तो फैन एयर कैन एग्जिस्ट डेफिनेटली जैसे हम लोग प्राइमरी इंजन एयर हॉट शॉर्ट डक्ट हॉट लिख दिया है, या शॉर्ट है शॉर्ट डक्ट लगता है, पढ़ाया है ना हमने आपको कि अगर सेपरेटली निकाल देना है फैन और बाईपास एयर को और कोर एयर को, तो छोटे ही डक्ट्स में इनको हो सकता है काम, बट दोनों को मिक्स करना है तो लॉन्ग डक्ट चाहिए, बताया था यासा में भी है मेंशन। हेलो रिमेम्बर है, ये रिकॉल कर पा रहे हो? आपको मिल जाएगा 1.11 में मिल जाएगा, 1.11 पे नहीं है, 1.13 का जो लास्ट वाले पॉइंट है ना, जहाँ पे आप देखे हो कि टर्बो प्रोप 300 to 400 होता है, उसके जस्ट ऊपर देखो कि टर्बो फैन आर मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, द टर्बो फैन कंप्रेसेस बिटवीन गुड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, उससे ऊपर फैन एयर इज आइदर मिक्स्ड विद द एग्जॉस्ट गैसेस बिफोर इट डिस्चार्ज मिक्स्ड और कॉमन नोजल, और इट पासेस डायरेक्टली टू एटमॉस्फेयर विदाउट प्रायर मिक्सिंग सेपरेट नोजल। यस सर, जो सेपरेट नोजल यूज होगा ना तो डक्ट छोटा रखेंगे, तो ये वाला देखो वो मेंशन नहीं किया है, तो अब वहां से उठा लेता, तो इनडायरेक्टली आप समझ जाते कि वो क्वेश्चन ट्रिगर से पूछ रहा है या तो यहाँ से पूछ रहा है, तो लाइन इसलिए आप ध्यान देते हो, तो जब सेपरेट नोजल यूज करोगे ना तो डक्ट छोटा होगा स्मॉल होगा, एंड सब नोजल एक ही यूज करोगे ना, जब दोनों को मिक्स करके ले जाओगे तो आपका डक्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसके लिए ये देखेंगे। और बहुत क्वाइटर इंजन होता है, आपको हमने बताया ही है ना, बहुत अच्छा सा है, हल्ला ज्यादा नहीं करने वाला है। अब टर्बो फैन टर्बो जेट पे आते हो तो आप सीधी कह दोगे कि सर वो तो केवल फ्यूल से ही एनर्जी लेने वाला है, मीन्स जितना फ्यूल जला लो उतना थ्रस्ट मिलने वाला है, बताया था आपको ना, अगर थ्रस्ट बढ़ाना है जेट में तो फ्यूल ही जलाना है आपको, इसलिए तो सबसे ज्यादा फ्यूल जाता है सिंपली। तो लॉजिक हम किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूल चाहिए, पहले तो हाई डीएफसीसी होती है, मीन्स फ्यूल ज्यादा चाहिए उसको, ठीक है, और कोई मेथड ही नहीं है उसको थ्रस्ट कैसे बनाना है, केवल रिएक्शन से, और रिएक्शन से थ्रस्ट तभी बनेगा जब ज्यादा से ज्यादा फ्यूल जलाना है, ठीक है, तो फ्यूल कंबशन करो मींस फ्यूल एयर मिक्सर, केवल फ्यूल नहीं, फ्यूल एंड एयर मिक्सर ज्यादा से ज्यादा जलाना है, इसीलिए तो हाई टेंपरेचर है, तो वो तो आवाज बहुत करने वाला है। बट जब अब टर्बो प्रोप का सोचते हो तो सोचते हो सर प्रोपेलर है ये भी हल्ला करने वाला, फैन कितना आवाज करता है, वो फीदर करेगा आवाज ही करेगा, बट जब फैन में आते तो बड़ा सीधा शांत सा है ना, सोशल सब अच्छा जैसा है ना, शांति से है क्योंकि दोनों का मीडियम का है ना, तो आराम से है, उतना ज्यादा आवाज नहीं है, तो क्वाइटर है, आप सिंपली लॉजिकली कनेक्ट कर लेते हो। जब प्रैट विटनी का जो फर्स्ट जनरेशन का टर्बो फैन इंजन बना था उसका
हमने बाईपास रेशियो मेंशन किया है, 1:1 है। जब सेकंड जनरेशन का प्रैट व्हिटनी का इंजन आया तो बाईपास रेशियो 5:1 एंड 6:1 है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाई बाईपास रेशियो क्या है टर्बो फैन का प्रेजेंट टाइम में, तो इतना ही होता है, 5:1 आता है क्वेश्चन में, 5:1 को ठीक कर सकते हो। 6:1 लिखा है ना तो दोनों को ही ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 6:1 से ज्यादा लिखा है तो उसको नहीं ठीक करना है। 5:1 है या 6:1 है, दोनों में से दोनों से नहीं है, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी ठीक कर सकते हो। आप सोचो कि सर इस तरह से आ जाए और आंसर 5:1, 6:1 एंड 7:1, देन किसको टिक करेंगे, अब बताओ। यासा को प्रेफर करते हैं 5:1। आप देखो जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना यासा में, उसमें 5:1 आया है 1.11 पे, देखो है कि नहीं है। यस सर, यस सर। तो जस्ट तो आपका एयर आया उसमें देखोगे 100% एयर आ रही है, बस 20% एयर कोर में जा रही है। तो बताया था ना 20% ऑफ द थ्रस्ट एग्जॉस्ट से मिलता है और 80% ऑफ द थ्रस्ट फैन से, इसलिए बताया था आपको, इसीलिए 5:1 के जैसे 20% केवल एयर कोर में जाती है, इसीलिए 20% ऑफ द थ्रस्ट एग्जॉस्ट से और 80% ऑफ द थ्रस्ट फैन से, ठीक है। तो इस तरह से तो उसका रेशियो क्या है, वो बाईपास का रेशियो नहीं है, वो रेशियो क्या है कि 100/20 मीन्स टोटल एयर अपॉन 20, इसलिए वो लिखा है फ्लो फैन, लिखा है ना फ्लो ऑफ फैन, ठीक है ना, कि टोटल एयर कितना फैन दे रहा है और उसमें से कितना एयर कोर में जा रहा है, सिंपल, ठीक है, क्लियर। तो बाईपास रेशो का फॉर्मूला पूछे, रेशो पूछे कि होता क्या, तो आप बताओगे कि फैन एयर अपॉन कोर एयर, सिंपल। तो अगर ये पूछे तो 5:1 पे टिक करोगे, और ये सेकंड जनरेशन वाला ही प्रैक्ट चल ही रहा है अभी, और हम लोगों ने देखा था कि लो बाईपास पे टर्बो फैन अच्छा चलता है ना, लेस देन 1 आर बीइंग, लेकिन ये फाइटर एयरक्राफ्ट में चलता है, सुपरसोनिक में चलाना है तो सही है, हमारे एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक के लिए नहीं बनाए गए, इसलिए बताया ना कि लो बाईपास वाले टर्बोफैन इंजन सही नहीं होंगे, ठीक है ना, इसीलिए तो ये थोड़ा ध्यान रखोगे कि सुपरसोनिक के लिए तो हम नहीं चला रहे और फाइटर जेट सुपरसोनिक में चलते हैं, इसीलिए लो बाईपास मजे से काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसोनिक में चलते हैं, सबसोनिक एंड ट्रांसोनिक मिड में, तो उन्हीं पे चलता है। टर्बोफैन की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लोगे कि सर थ्रस्ट अच्छा खासा है, ठीक है, 1 तक करंट फैन डिजाइन है तो 1 मैक्सिमम थ्रस्ट अच्छा है, इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे ना तो दिक्कत आएगी। बस वेट मैं बता दिया था ना, जेट और प्रोब के बीच में है, प्रोब का याद रखना, प्रोब का ज्यादा वेट होता है, ग्राउंड क्लियरेंस टर्बो प्रोब से कम है, इतना भी अच्छा नहीं है जैसे टर्बोजेट में, समझ पा रहे हो ना, टर्बोजेट में क्लियरेंस बहुत ही अच्छा होता है, टर्बो फैन में क्लियरेंस अच्छा नहीं होता। अब सोचो ये क्लियरेंस क्या है, मींस इंजन का मुंह ज्यादा बड़ा होगा तो हम बोल देंगे ग्राउंड से क्लियरेंस कम होगा, अगर उसका चेहरा थोड़ा छोटा रख लोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो अब सोचोगे कि सर इस अभी जो जेट इंजन है ना, जेट इंजन में छोटा चेहरा क्यों है, मींस फेस, जो आपका वो जो फ्रंटल एरिया है स्मॉलर क्यों है, इसको ही फ्रंटल एरिया स्मॉलर, तो फ्रंटल एरिया स्मॉलर देन ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होगा फ्रंटल एरिया स्मॉलर होगी तो। अब सोचो कि सर क्यों, यहाँ पे ऐसा लॉजिक है, तो लॉजिक देखो क्या है, फ्रंटल एरिया जब स्मॉलर करेंगे और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है टर्बोजेट इंजन में, सिंपली कंप्रेसर ब्लेड पे आ जाती है, मीन्स जो आपका लो प्रेशर ब्लेड है या लो प्रेशर कंप्रेसर्स हैं, सिंपली एयर उन पे स्ट्रैक कर रही है, सिंपली एयर जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट फैन इंजन में जब आते हो ना फैन में, तो एक बड़ा सा फैन लगा दिया, अभी फैन भी तो डिस्टर्ब करेगा एयर को, समझ पा रहे हो, आपको लो प्रेशर टर्बाइन, लो प्रेशर कंप्रेसर मींस कंप्रेसर चैम्बर में पहुंचने से पहले पहले फैन से उन्हें निपटना है। तो अगर हम फ्रंटल एरिया छोटा रखते और फैन इतना भारी लगा देते कि नहीं पहले फैन से तुम्हें गुजरना है, फिर फैन तुम्हें बाईपास करेगा अलग से, फिर कुछ एयर कोर में भेजेगा, तो दिक्कत हो जाती, एयर ज्यादा मिल ही नहीं पाता, तो फैन की वजह से ज्यादा एयर इंटेक ही नहीं हो पाता, इसलिए इन्होंने सोचा कि फ्रंटल एरिया थोड़ा बड़ा कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर मिल जाए और फैन अच्छे से चल पाए, और फैन चलेगा कुछ परसेंट ऑफ द आपका एयर क्या कर देगा, कोर में भेज देगा और बाकी एयर बाईपास कर देगा, इसलिए फ्रंटल एरिया फैन में ज्यादा रख दिया, ठीक है। तो ये वाला है,
तो ये टर्बोजेट, इसमें से बोला कि टर्बो प्रोप से तो अच्छा है बट टर्बोजेट से सही नहीं है, सिंपल। टीएफसी से ज्यादा ही होगी, किन के बीच का होगा टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोप, इसमें कम होगा सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा फ्यूल लगेगा इसमें मीडियम में, सिंपल। इसलिए इकोनॉमी वगैरह बच जाती है ना, हमको तो पैसा ही चाहिए, सबको चाहिए, इसमें कोई नॉइज कंप्रेसर नहीं चाहिए लगाना होता है ना, इकोनॉमी बच जाती है एयरलाइंस की, इसलिए यूज होते हैं ऐसे। नॉइज लेवल बहुत कम है, 10-20%। बाद में ऐसे हमारे इंजन आ गए जहाँ पे कोई नॉइज कंप्रेसर नहीं लगाना है, उतने हंगामा नहीं करने वाले ये, है ना। ये बोल रहा है कि इनलेट गाइड वेन हैव बीन एलिमिनेटेड, रिड्यूस द फैन नॉइज। जो इनलेट गाइड वेन होते हैं उसी से ही क्या होता है, नॉइज को हम लोग कम कर सकते हैं उसी की मदद से, है ना। इसीलिए जो लार्ज प्रॉब्लम थी फैन इंजन की वो खत्म हो गई नॉइज वाला। हॉट एयर परफॉर्मेंस से क्वेश्चन आता है कि हॉट एयर परफॉर्मेंस में कौन है, तो मैंने बता दिया ना, जेट ज्यादा अच्छा नहीं काम कर सकता हॉट एयर परफॉर्मेंस में, क्यों? अब रीजन समझो क्यों। जेट इंजन को एयर चाहिए, है ना, एयर और वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, एयर कम मिले बट वेलोसिटी ज्यादा चाहिए। जो जेट इंजन है हॉट डे परफॉर्मेंस हो जाएगा तो एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना, हॉट आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम, तो लो एयर तो वैसे ही मिलता है उसको, अब तो और भी लो एयर हो गया, तो इसको तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसको थ्रस्ट किसके बेसिस पे बनाना है, एयर प्लस फ्यूल, एयर प्लस फ्यूल के बेसिस पे इसको थ्रस्ट बताना है। बट जो आपका फैन इंजन है, फैन इंजन आप जब देखते हो बोलते हो कि सर फैन इंजन ना आप फैन से भी थ्रस्ट बना लेते हैं, एग्जॉस्ट से भी थ्रस्ट बना लेता है, तो थोड़ा ये अच्छा हो गया। अब ये हॉट डे होगा ना तो कम कम आपका जो एयर डेंसिटी भी हो जाएगी ना, तो इसको उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैन से भी थ्रस्ट बनाना है, लास्ट मींस एग्जॉस्ट, ठीक है। इसलिए हॉट डे परफॉर्मेंस में जेट से अच्छा होता है, ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात? यस सर। और टर्बो प्रोप से भी अच्छा होगा, मींस फैन से भी अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि उसको थ्रस्ट एग्जॉस्ट से बनाना नहीं है, उसको मतलब भी नहीं है एयर क्वांटिटी कितनी है, लार्ज ऑफ एयर नीचे मिल ही रहा है उसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लार्ज ऑफ एयर नहीं मिलेगा, वो प्रोपेलर की स्पीड बढ़ा देंगे, एयर मिल जाएगी, उनको चलाने की जरूरत नहीं है उतना, है ना, उनको थ्रस्ट से मतलब ही नहीं है ज्यादा, मींस एग्जॉस्ट में थ्रस्ट लेना देना नहीं है, हमें फैन बस चला लेना है, फैन जितने एयर मिल जाएंगे उसी से थ्रस्ट बन जाएगा, सिंपल। और थोड़े से ही एयर हमें कोर में ले जाना होता है, बहुत कम एयर कोर में ले जाना होता है। एक क्वेश्चन आप देखो, मैं आपको यह ध्यान दिला देता हूँ, अब ये बताओ जो फैन इंजन होती है इसमें एयर जो कोर में जाती है और जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है, क्या सेम है? याद है क्वेश्चन, मैंने ये बताया था कि जो प्रोपल्सिव फोर्स आता है वो सेम वर्किंग फ्लूइड होती है, प्रोपेलर में अलग होगा सर, टर्बो प्रोप में बाकी वैसे सेम है। सही है, सही, अच्छा कंपैरिजन कर रहे हो। यासा की लाइन है रेफरेंस 1.9 में, हमने आपको पढ़ाया था कि जो टर्बोजेट, रैमजेट, पल्स जेट, फैन इंजन, इन सब में जो वेलोसिटी होती है, जो एयर होती है, वही वर्किंग एयर भी प्रोपल्सिव फोर्स देती है। लेकिन जो प्रोपेलर इंजन है ना, उसमें देखते हो ना, इंजन है इतना छोटा सा बच्चा जैसे, ठीक है, और फैन इतना बड़ा प्रोपेलर, देखते हो ना, तो प्रोपेलर में एयर तो इधर निकल जाती है, समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, होता है ना, प्रोपेलर इंजन से भी बड़ा होता है, क्योंकि उसको एयर को इंजन के अंदर नहीं भेजना है, लेकिन फैन इंजन के अंदर क्यों लगाना है? क्योंकि फैन इंजन में वो एयर को इंजन के अंदर भी भेजता है, कोर में भी भेजता है, तो आप समझ गए कि यस सर, जो वर्किंग फ्लूड है उससे थ्रस्ट मिलती है, बट यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूड है जिससे इसको थ्रस्ट मिल रही है वो कोर में नहीं जा रही है, जो थ्रस्ट दे रहा है ना इंजन को वो कोर में नहीं जाती है बर्न होने के लिए, वो तो बाहर निकल जा रही है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट वर्किंग फ्लूड, ये क्वेश्चन एक पूछा था, ठीक है, ध्यान रखोगे तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आप इनको, मैंने मार्क भी करवाया हुआ ऑलरेडी, आपने मार्क भी किया होगा। यस सर। फिर मेरे पॉइंट को आप देखोगे, शॉर्ट फैन डक्ट होता है और लो डक्ट लॉसेस, डक्ट हम लोग छोटे ही रखते हैं तो करेस्पॉन्डिंग डक्ट लॉसेस में बहुत कम मिलेगा। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे कि लॉन्ग रेंज फ्लाइट के लिए, हाई स्पीड फ्लाइट के लिए डेफिनेट प्रोफाइल गैस टरबाइन इंजन का होता है, मतलब जो आपकी फैमिली होती है ना, टरबाइन फैमिली, उसमें बड़ा अच्छा इसका प्लेस है, अच्छा प्लेस मतलब इज्जत बहुत अच्छा इसमें मिलता है, ज्यादा यूज किया जा रहा है इसका, तो अच्छा प्लेस है, सिंपल। इसलिए बोल दिया कि एक प्रोलिफिक इसका प्लेस दिया गया है, अच्छा। टर्बो फैन आते, प्रो फैन आते हो, ये बस एक सोची समझी साजिश है,
इसको बनाया नहीं गया है अभी तक, ठीक है ना। अब पता नहीं जब ये राइटर ने लिखा उस टाइम ये उसके बारे में था, बट अभी तक इसको तो मेरे को भी ख्याल से नहीं ये बनाया गया। इसमें बोला था हम 80% ऑफ द एफिशिएंसी लेके आएंगे, है ना, 80% ऑफ द एफिशिएंसी एट 35,000 फीट तक, ठीक है ना। और कितना फ्यूल बचाएंगे, कम से कम 20-20% ऑफ द फ्यूल को हम बचाएंगे टर्बोफैन से, कंपेरिजन टू टर्बोफैन ये कर रहा था। मीन्स टर्बो प्रोप की जो टर्बो प्रोपेलर इंजन है उसके तरह एफिशिएंसी लेना चाहता है ना, बट ये पता नहीं अभी बना है कि नहीं बना ये इंजन। अब देखो इसमें बाईपास रेशियो 80:1 होना करना चाहता है, बताओ कैसे कर सकता है, पागल है क्या ये, इससे नहीं बनने वाला है ये भूल जाए 80:1 का बाईपास रेशियो लाना चाहता है, कहाँ से होगा। तो इसलिए ये इंजन नहीं है मॉडर्न। आप टर्बोफैन इंजन देखते हो तो 5:1 या से अकॉर्डिंग इसको ही टिक करना, बट बहुत वाला ऑप्शन आ जाना तो दोनों को टिक कर देना, 5:1 and 6:1 दोनों में बन रहे हैं। और देखो ये क्या कर रहा है, तो कभी क्या पता पूछ ले कि हम लोग जो सोच रहे हैं ना लॉजिकली, क्या वो इंजन बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है ना, उसमें किस तरह का हम लोगों ने सोचा है। तो आप बता देना कि 80% एफिशिएंसी चाह रहे थे हम लोग और 20-25% आप लोग फ्यूल को बचाना चाहते हैं टर्बो फैन से कंपेरिजन करके, और बाईपास रेशियो 80:1 करना चाहते हैं, वो किस तरह के इंजन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, प्रोप फैन इस पर काम चल रहा है, शायद ये बन जाए या बना तो नहीं है, बन जाए शायद, या प्राइवेट विटनी इलेक्ट्रिकल एलिसन ये सब का बता रहा है कि ये सब काम कर रहे हैं इस अल्ट्रा हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन पे, जिसको हम लोग प्रोप इंजन कहते हैं, है ना। और भी सारी बातें इसके बारे में मेंशन किया है, और ये भी मेंशन किया है ना फ्यूचर डेवलपमेंट्स में कि क्या क्या हम लोग सोच रहे हैं, तो ये सब लिखा गया है, बट ये सब आपको देखना नहीं है ना, मैंने भी नहीं पढ़ा था ये सब, नहीं किसी काम के। अभी क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, यस सर। कुछ टॉपिक आज पढ़ा देंगे कुछ, कल तो फ्री हो ना आप लोग, मॉर्निंग में तो फ्री हो ना? हाँ मॉर्निंग में ले सकते सर। ठीक है, तो मॉर्निंग में कुछ क्लासेस ले लेंगे ताकि ये कवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे 5K में भी क्लासेस एक लेनी है, मैं सोच रहा हूँ आज कुछ क्लासेस लेंगे 5K। सर आज ये एनडीए आज फाइव का, हाँ सर आज फाइव का प्रीवियस ईयर खत्म कर दो सर प्लीज, वरना मतलब वो खत्म होने के बाद वीडियो नीचे देख सकते सर। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर ही करा देता हूँ आज, ठीक है, ओके सर। इंडिकेटिंग सिस्टम 20 मिनट और क्लास लेते हैं, ये लेवल 2 लेवल 3 करा देता हूँ, फिर हम लोग कल जो बाकी बचे होंगे उनको कर लेंगे। लेवल 2 में आते हैं तो ML वाली डेटा क्या है, तो ML में हमने बताया था ML ऑपरेशन स्टेटस मोड पे आती है, बताया था स्टेटस मोड किस पे आता है, लोअर डिस्प्ले। थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होगी, टेम्परेचर बढ़ा लो, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा लो, एफिशिएंसी बढ़ा लो कंप्रेसर और टर्बाइन की, ठीक है ना, तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सर्वो ऑपरेटेड टैकोमीटर ये फा वाले बुक के हैं, तो स्पार्किंग एम्पलीफायर था बताया था, सर्वो एम्पलीफायर था, और 28 वोल्ट डीसी पावर चाहिए सर्वो ऑपरेटेड। तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, हमने कहा था ना कि वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट हमने जो मेंशन किया वो आप पढ़ना, वो यही है कि बस यही आपको पढ़ना था, कि उसमें भी बता रहा था कि 28 वोल्ट अब याद रखना, तो जस्ट यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से देखो फैडेक डज नॉट हैव इनपुट, तो देखो ये फैडेक में कौन सा इनपुट नहीं है, तो बताया कि ये कंप्रेसर डिफरेंशियल प्रेशर ये फैडेक के इनपुट्स नहीं है, तो इसको आप टिक कर लोगे। When cancel switch is pressed, cancel switch जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, caution message रिमूव हो जाती है, यही था caution message, warning ही ज्यादा warning रहेगा, caution advisory रिमूव हो जाएगी। MPCS में आते हो तो जो प्योर जेट इंजन है वो स्टैग्नेशन में होता है, बताया था आपको इस, अब देखो एक बार और मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। थर्मोकपल सामने है क्या क्लास में, थर्मोकपल के दो सेंसर के बारे में बताया था, कौन कौन था, सरफेस कॉन्टेक्ट बताया था, यस सर, सरफेस टाइप एंड प्रोब टाइप, जिसे हम लोग इमर्शन भी कहते थे ना, इमर्शन कहते थे प्रोब को, यस सर, प्रोब भी कह लो इमर्शन कह लो। तो थर्मोकपल का अगर पूछे आपका सेंसर तो दो होते हैं, सरफेस और प्रोप। सरफेस किसके लिए यूज होता है, टर्बो प्रोप के लिए, प्रोपेलर इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, सॉरी रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए, रेसिप्रोकेटिंग इंजन होगा। और ये जो प्रोप या इमर्शन है ये गैस टर्बाइन इंजन, यही था, यस सर। अब करना है, अब ईजीटी पे आते हैं, ईजीटी के दो सेंसर होते हैं,
ठीक है, इसलिए होता है रैपिड रिस्पॉन्स, रैपिड रिस्पॉन्स। और आपका कौन सा होता है, एक स्टैग्नेशन टाइप, स्टैग्नेशन। रैपिड रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रहता है वन टू हाफ टू वन में, यही होता है हाफ टू वन सेकंड में, और इसका वन टू टू सेकंड में। स्टैग्नेशन रिस्पॉन्स देगा वन टू टू सेकंड में, और यह हाफ टू वन सेकंड में, कि 0.5 था। हाँ सही है, 0.5 ही होगा ना, हाफ टू वन सेकंड, ठीक है। रैपिड रिस्पॉन्स की टाइमिंग है वन पॉइंट मतलब हाफ टू वन सेकंड, एंड स्टैग्नेशन का वन टू टू सेकंड। स्टैग्नेशन यूज होता है किसमें, प्योर जेट में, याद रखोगे। और रैपिड रिस्पॉन्स प्रोप में, प्रोपेलर इंजन में, प्रोपेलर इंजन में रैपिड रिस्पॉन्स होती है, याद रखना। अभी कोई डाउट तो नहीं है इसमें, जो भी हमें एक्सप्लेन कर दिया। ओके, डिस्क्रिमिनेटर ये यज्ञ की लाइन है, हाफ वेव पल्स को फुल वेव में बदलता है, ठीक है। ये टाइमिंग मार्क, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना यही था, और अब ये क्या है, ये पिछले इंजन से पूछा गया है, जो कि अब देखो ये ऐसे ही जंप करके क्वेश्चन आया था, टाइमिंग मार्क वाली। ये टाइमिंग मार्क क्या है, तो ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है पिस्टन की पोजीशन को, ठीक है, कि कहाँ पे है, और प्रोपेलर फ्लेंज एंगल। तो आल अब देखो ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखना, जेट इंजन से, अब वो रेसिप्रोकेटिंग से। कपलिंग टॉर्क क्या होती है, तो ये यासा से है, ड्राई डिलीवर्ड पावर बाई आरपीएम, यही होता है ना टॉर्क निकालने का फॉर्मूला, कितना पावर भेजा एंड कितना आरपीएम मिला, वही तो टॉर्क हो गई ना। हार्नेस एंड कपलिंग में क्या था, कॉपर वायर यूज करते हैं थर्मोकपल में, यही था ना, हमने बताया था हार्नेस एंड कपलिंग में कॉपर वायर यूज करते हैं। और एजीटी में क्या हो गई, आपका क्रोमेल पॉजिटिव होती है, एलमेल निगेटिव होती है ना, ये याद रखोगे, ये भी क्वेश्चंस हैं आए पड़े हैं। और ये इंटीग्रेटेड वाला फिर से वही है, टू फेज एसी मोटर टरबाइन एलवीडीटी वाला, देखो एजीटी प्रोब देख लोगे तो रैपिड स्टैग्नेशन एंड रैपिड रिस्पॉन्स हो जाएगा। और हम लोग देख लेंगे जो थर्मोकपल काम करता है वो किस पे काम करता है, सीबैक पे। ये थर्मोकपल वाला ही है कि एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है किस पे, वो हीट एनर्जी से। तो हीट से जब इलेक्ट्रिकल मिलेगा तो सीबैक इफेक्ट होगा। इकास अगर लोअर डिस्प्ले फेल हो जाता है, हमने बताया था ना कि डेटा इंफॉर्मेशन अपर पे हो जाएंगे, एम्बर कलर भी आएगा, तो लिखा ना एम्बर कलर आएगी लेफ्ट में, याद रखना। जो अपर डिस्प्ले होती है ना, डीओ मतलब अपर डिस्प्ले, अपर डिस्प्ले, ठीक है ना, अपर डिस्प्ले, तो डिस्प्ले अपर डिस्प्ले पे आएंगे, ये लेफ्ट में आती है एम्बर कलर, और ये डिस्प्ले भी अपर पे आ जाती है। तो ये डिस्प्ले जो लोअर से अपर पे आने की, वही हम लोग क्या बोलते हैं, कम्पैक्ट बोलते हैं, कम्पैक्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है वही वाला, कॉम्पैक्ट ये पूछे गए हैं सभी, सिंपली अगर ये याद रख लेते हो सारी बातें आपकी सही हो जाती है। मोमेंटरी टाइप जो होती है वो इवेंट रिकॉर्ड स्विच होती है, जो कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करती है, मैनुअली भी काम कर सकता है, पायलट कर सकता है, बताया था आपको। और मैंने बताया था कि जब लोअर डिस्प्ले, जब लोअर डिस्प्ले फेल होती है तो अपर डिस्प्ले पे जो मैसेज आती है एम्बर कलर में, वो क्या होती है, यही लिख के आता है इकास कंट्रोल पैनल, ये मैसेज लिख के आता है इकास कंट्रोल पैनल। टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट में वो जो रेजिस्टेंस टाइप आपको बताया था ना, फ्यूल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बताया था, टेम्परेचर टाइप का इस तरह का था, एक बल्ब था, ठीक है, यहाँ पे दो डॉट्स थे, इसमें एक कॉइल थी, सेंसिंग कॉइल, रेजिस्टिव कॉइल ऐसी थी, बैलेंस कॉइल थी, एक सेंसिव कॉइल थी, ऐसा था, उसी के बारे में। जो रेजिस्टेंस कॉइल थी वो निकल एंड प्लेटिनम की बनी हुई थी, ध्यान है, यस सर, यस सर, ये जैसे है ये। और फिर हम लोग बात करते हैं कि टर्बो जो सुपर चार्जर होता है उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल पंप कार्बोरेटर एंड सिलेंडर के मिड में होता है। एपीआर रेशियो देख लोगे तो इनलेट और आउटलेट का प्रेशर एपीआर होती है। फ्यूल को गैलन में नहीं डेंसिटी में मेजर करते हैं, है ना, व्हाई नॉट इन गैलन, तो हम डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी वैरी करती है ना, हम फ्यूल को पाउंड में मेजर करते हैं तो अच्छा होता है, पाउंड, पहले गैलन में ही मेजर होती थी बट अभी नहीं करते हैं, तो पाउंड पर आवर कर लेते हैं या फिर हम लोग मास पर आवर कर लेते हैं, वैसे अब मास को मेजर करते हैं, जो फ्लोमीटर होता है ना, फ्यूल फ्लोमीटर, फ्यूल फ्लोमीटर, जिसे आप उसमें भी पढ़ोगे, सिस्टम में भी पढ़ोगे, वो मास को मेजर करता है। पहले गैलन को मेजर करते थे ये लोग, वॉल्यूम मेजर करते थे, फिर उतना एफिशिएंट नहीं रहता था। मीटरिंग वाल्व एरिया कैसे मॉड्यूलेट होती है, टॉर्क मोटर, ये तो याद ही होगा। सिंक्रोस्कोप में चार मोटर्स होते हैं,
टैकोर जनरेटर का एडवांटेज क्या, तो बताया था ना कि कोई मूविंग पार्ट नहीं होती है और सेपरेट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होती है, ठीक है। और देखो ये पूरा ऑप्शन भी हमने मेंशन कर दिया है टैको प्रोब इंडिकेटर में। इसका एडवांटेज क्या है, नंबर ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, एडिशनल डोज रिक्वायर्ड फॉर स्पीड इंडिकेशन, ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल एंड फ्लाइट डेटा एजुकेशन सिस्टम। और इसमें पूछा था कि ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल में कौन सा है, तो आप बताते थे कि ये टैकोमीटर जनरेटर ही यूज करते हैं या टैको प्रोब या इंडिकेटर यूज करते हैं, इसकी यही एडवांटेज है। इनके यूज कहाँ करना है, ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल एंड फ्लाइट डेटा एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए ये लाइन मैंने मेंशन कर दी है, तो यहाँ से आप याद रखोगे। मतलब जब क्वेश्चन करता था तो जो जहाँ से मिल जाता था मैं मेंशन करता था उसमें, ताकि और ज्यादा इजी हो जाए, बड़ा पीडीएफ बने। बट ये होता है ना कि जब सारी चीजें जब एक जगह कंपाइल्ड होती है तो बड़ा अच्छे से याद कर पाते हो, बट जब हर चीजें जंप करके पढ़ते हो ना तो बहुत गुस्सा आती है कि इतना चीजें पढ़नी है, इधर इधर से पढ़नी है, बट सारी चीजें एक जगह जब मेंशन मिल जाती है ना तो बहुत ईजी होता है प्रिपरेशन। इसलिए हम लोग यही डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो ईजी हो जाए। जब प्रिपरेशन करो तो इस तरह से डिजाइनिंग करो अपना डेटा, इसलिए दो महीने का जो टाइम होता है उसमें यही करना चाहिए आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो उनको अरेंज कर लिया करो सिंपल सा, ताकि लास्ट टाइम में बर्डन ना मिले आपको, वो टॉपिक एक ही जगह मिल जाए, आप बार बार हजार बुक ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एलवीडीटी में बताया था टू फेज ही मोटर होती है, एसी वाला मोटर। रेसियोमीटर का स्प्रिंग हमने बताया था क्या होता है, बैक टू जीरो आती है, इसलिए तो स्प्रिंग लगाते हैं रेसियोमीटर में कि उसको क्या कर ले, बैक टू लेके आ जाए, है ना, रेसियोमीटर में तो बैक टू जीरो। रेजिस्टेंस टाइप टेम्परेचर सेंसिंग में मूविंग कॉइल होता है, बताया था मूविंग कॉइल, मूविंग वायर करना, हॉट वायर तो कुछ होता ही नहीं है। कंट्रोल स्प्रिंग हम लोगों ने कहा था सील्ड होती है, इन सील्ड इनसाइड होती है मैनिफोल्ड प्रेशर में, इसका भी रेफरेंस है, ठीक है। और टैकोमीटर जब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि सर टैकोमीटर के दो पार्ट आपने बताया था, कौन कौन सा, एक जनरेटर इंडिकेटर होता है, एक टैको प्रोब इंडिकेटर होता है। थ्री फेज एसी सिंक्रोनस मोटर होती है पूरी टैकोमीटर, थ्री फेज एसी सिंक्रोनस मोटर बताया था आपको। और स्टेटर हमने कहा था, स्टेटर ध्यान रखना, रोटर नहीं होगा और एसी ही होता है, एसी एंड स्टेटर फोकस करना, थ्री फेज तो आपको याद ही रहेगा। डिस्प्ले पैनल फेल में क्या होता है, अब देखेंगे कौन सा पॉइंट है, ये भी जब अनबैलेंस वाला बताया था ना आपको, एम्पलीफायर स्टेज टू स्टेज होगा, डिस्क्रिएटिंग होगा, फेज सिग्नल देन सप्लाई मोटर एंड अदर इज ब्रिज अनबैलेंस, बताया था ना ब्रिज अनबैलेंस 330 है, ठीक है। बॉर्डन के प्रिंसिपल दोनों ही आ जाएंगे, डायरेक्ट रीडिंग और रिमोट रीडिंग जो रनिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो बॉर्डन टिप प्रिंसिपल से काम करते हैं, बहुत एंड भी पे टिक कर लेना, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। हेलो, यस सर, यस सर। अब देखो ये कुछ हमने डेल करंट के पॉइंट बताई थी, बट आप यासा से भी इसको मेंशन कर सकते थे। मैंने बताया था ना कि क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो गई ना तो इग्निशन टर्न आफ्टर होती है, बताया था जब इंजन रोटेट करने लगती है तब इग्निशन को हम करते हैं, है ना, इंजन स्टार्ट हो रही है रोटेटिंग, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आफ्टर, है ना, बताया था आपको स्टार्टिंग इंजन में हम लोग तो फ्यूल टर्न आफ्टर इग्निशन बताया था, जब इग्निशन ऑन हो गई तो फ्यूल आएगा, दोनों लाइन यासा में था और हमने डेल करेंट से भी वही लाइन है, कोई भी बुक उठाओगे सेम बातें होंगी ना, जस्ट सेम ही है। अब मैं यासा का भी रेफरेंस दे सकता था बट मैंने डेल करेंट से दिया। ड्यूर स्कूल में हमने बताया था एचपीसी तो चलाना ही है, चाहे ड्यूर स्कूल में सिंगल स्कूल है एचपीसी तो चलाएंगे, सिंपल सी बात। मोस्ट जेट इंजन में आओगे तो क्या होगा, एयर टर्बाइन स्टार्टर ही यूज करते हैं, याद रखना, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में एयर टर्बाइन होता है। और सोचो कि सर स्टार्टर जनरेटर क्यों नहीं यूज होता है, यार स्टार्टर जनरेटर तो बहुत अच्छा है ना, बट देखो एयर टर्बाइन स्टार्टर में क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट है एयर टर्बाइन स्टार्टर में, टॉर्क, टॉर्क वाला प्रॉफिट है, सिंपल, स्टार्टर जनरेटर में नहीं मिलता। और इसका वेट भी स्टार्टर जनरेटर कंपैरिजन 1/2 to 1/4 होता है, मींस वेट भी कम है और टॉर्क भी ज्यादा है, तो प्रॉफिट है 30 का देखोगे। और ये स्टार्टर जनरेटर स्मॉल एयरक्राफ्ट में होता है,
एयर टर्बाइन और एयर फॉर स्टार्टिंग देखोगे तो एयर कहाँ से लेते हैं, तो एयरव्यू से लेते हैं, सुपर चार्जर नहीं, एग्जॉस्टर नहीं, ये गलत होंगे। प्राइमरी एडवांटेज है एयर टर्बाइन स्टार्टर का तो टॉर्क रेशियो मिलती है। बेसिक टाइप ऑफ फ्यूल कंजप्शन तो बता देना, या तो एटमाइज फ्यूल भेज दो या फिर वेपराइज फ्यूल भेज दो, मीन्स दोनों ही ऑप्शन सही है। ये 14 में भी है, मीन्स यासा में भी है। एटमाइजिंग फ्यूल के बारे में बताया था ना, सिंपल सिंप्लेक्स मॉडल से भी जा सकती है नोजल से, और डुप्लेक्स नोजल से भी जा सकती है, याद है सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स दोनों जो होते हैं। इस बार हम लोग देखा था कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में ओपन होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डेल करंट के लाइन है, ब्रेकर पॉइंट ओपन होना चाहिए बैटरी से, बस ऐसे ही रख लेना। अब कैपेसिटर वाला देख लो, बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या होती है, जब कैपेसिटर आती है तो क्या होगा, अब देखो कैपेसिटर जो होती है ना पैरेलल लगे होते हैं, जो कैपेसिटर कैपेसिटर टाइप स्टार्ट सिस्टम है यही है ना, कैपेसिटर ही तो चार्ज होती है ना, कैपेसिटर सिस्टम होती है इग्निशन सिस्टम। अब सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, एक खराब होगा तो दूसरा वाला भी खराब हो जाएगा, तो पैरेलल लगाओ ना, सिंपल सी बात है। यस। और स्विच होती है, स्विच को सीरीज याद रखना, ये बैटरी के साथ या ब्रेकर पॉइंट के साथ सीरीज में होती है, ठीक है। अभी सभी पूछे नहीं गए बट मैंने मेंशन कर दिया, क्या पता पूछ लेकर भी डेल क्रेन में कभी कभी ये ढूंढता है। ये देखो जो मैग्नेटो डिस्ट्रीब्यूटर का था ना, उसका मैं रेफरेंस डेल क्रेन से मिला था, इसीलिए डेल क्रेन के 2-3 क्वेश्चन लिख लिया था और ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। हम लोग जो हमारे बैचमेट्स दिए थे जो पेपर, उनके पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन, मैग्नेटो डिस्ट्रीब्यूटर 14 में भी है मैग्नेटो डिस्ट्रीब्यूटर, बट एग्जैक्ट लाइनिंग देगी, एग्जैक्ट लाइनिंग यहाँ पर मिली थी डेल क्रेन में, क्या था स्पार्किंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटो, ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है स्पार्किंग ऑर्डर को कंट्रोल करना। फायरिंग ऑर्डर बोलोगे तो फायरिंग ऑर्डर क्या है, पिस्टन, पिस्टन को मूवमेंट होना, जैसे कि अगर आपने इंजन पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि जो इनलाइन इंजन होता है ना उसमें काफी सारे इंजन होते हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बट इसको ये इसका पिस्टन पहले ऑपरेट हुआ, मान लो ये पिस्टन है, इसमें भी पिस्टन है, इसमें भी पिस्टन, इसमें पिस्टन, ये पिस्टन ऑपरेट हुआ, अब ये पिस्टन ऑपरेट हो जाएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा, इधर ज्यादा फोर्स लग जाएगा, तो ये पूरा इंजन वाइब्रेट करेगा एक ही बार, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करा, समझ रहे हो, ये पिस्टन मूव किया, ये पिस्टन मूव किया, तो ये इंजन ज्यादा वाइब्रेट किया, बट हम क्या करते हैं ये पिस्टन पहले मूव कराते हैं फिर ये, तो देखो बैलेंस हो गया ना, फिर ये पिस्टन मूव कराते हैं फिर ये, तो बैलेंस हो गया ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। या फिर यहाँ फोर्स आ जाए 1 पे, फिर 2 पे आ जाए तब भी बैलेंस, फिर दिक्कत है देखो यहाँ पे, इसलिए हम लोग स्पायरिंग ऑर्डर होता है, बट वैसे ही ऐसे ही होता है कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से, या क्रॉस में भी होता है, कई तरह के फायरिंग ऑर्डर्स होते हैं अलग अलग इंजन के लिए, अलग अलग फायरिंग ऑर्डर्स है, ठीक है। तो वहां पे तो फायरिंग ऑर्डर होता है, फायरिंग ऑर्डर किस कहते हैं, पिस्टन का मूवमेंट को फायरिंग ऑर्डर कहते हैं, पिस्टन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, बट मैग्नेटो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है स्पार्किंग ऑर्डर को देखना, सिंपल, तो ये ध्यान रखना। इग्नाइटर प्लग, इग्नाइटर प्लग में हम लोग ने देखा हाई करंट होती है ना, वोल्टेज क्या होती है कम होती है, याद रखना वोल्टेज क्या होती है लो होती है, लो वोल्टेज होती है बट करंट हाई होती है ना, हायर करंट होती है स्पार्क प्लग, है ना, देन स्पार्क प्लग, तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा करंट सह सकता है, स्पार्क प्लग उतना नहीं सह सकता, है ना। स्पार्क प्लग के बारे में बताया था शॉर्ट इम्पल्स, यही बताया था ना, शॉर्ट इम्पल्स हाई वोल्टेज, यही बताया था, याद रखना स्पार्क प्लग के लिए। गैस टरबाइन इंजन दोनों ही स्टार्टर होते हैं, है ना, आपके डीसी इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है और स्टार्टर जनरेटर, स्टार्टर जनरेटर में बताया था कि संट होती है, यही वाला क्वेश्चन देखो मिला था ऐसे। मोस्टली इग्नाइटर प्लग कौन सा यूज होता है, हमने बताया था ना, ये कैपेसिटर टाइप इग्निशन सिस्टम यूज करते हैं, ये सबसे अच्छा है कैपेसिटर टाइप इग्निशन सिस्टम, और कोई सिस्टम यूज नहीं करेंगे। कंटिन्यूस इग्निशन में आपने देखा कि सर फ्लेम आउट हो जाएगा इंजन को ना, तो या फिर टेक ऑफ और लैंडिंग के कंडीशन में हम लोग क्या कर लेंगे, कंटिन्यूस इग्निशन यूज कर लेंगे, है ना। जब वोल्टेज आर्किंग या शॉर्ट हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना फॉल्टी कंपोनेंट एंड वायरिंग को, मैंने आपको वो मेंशन कराया था, आपने मेंशन किया था वो डेटा जो बता रहा था मैं, ठीक है, और इसमें भी मेंशन है, वो मिल जाएगा आपको। ATS कंसिस्ट करता है एक्सियल फ्लो टर्न ड्राइव कपलिंग टॉर्क, तो रिडक्शन गियर होता है एयर टर्बाइन स्टार्टर में, रिडक्शन गियर और कपलिंग मैकेनिज्म, मींस क्लच मैकेनिज्म होता है स्टार्टर, क्लच मैकेनिज्म और गियर, ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ओवरऑल आए हुए हैं, ठीक है। और स्टार्टर वाइंडिंग में आप देखते हो तो स्टार्टर, अगर स्टार्टर को देखते हो तो क्या होगा, एज ए जनरेटर कब काम करेगा, जब संट वाइंडिंग होगी और कंपनसेंट एंड कम्यूटेटिंग, तो पूरा देखना जरूर है, संट वाइंडिंग तो नेसेसरी है, इसके बिना जनरेटर होगा ही नहीं। और अगर आपको
स्टार्टर की तरह काम करना है, वैसे ये स्टार्टर के लिए पूछ रहा है, स्टार्टिंग की तरह काम करना है तो सीरीज वाइंडिंग होना जरूरी है, उसके बाद कंपनसेट कम्यूटेटिंग होना है ना। अकोमुलेटिंग में लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिंग में लिख सकता है कम्यूटेटिंग को, है ना, ये लिख देता है ठीक है। अकोमुलेटिंग कह रहा हूँ, इंटरपोल लिखता है ना, इंटरपोल ही लिखता है, देख रहे हैं क्या लिखता है, इंटरपोल लिखता है ना। सिस्टम में आप जाते हो तो हमने बताया था कि हर चीज दो दो होगा, दो एक्साइटर यूनिट होगा, दो ट्रांसफार्मर होगा, दो हाई टेंशन लीड होगा, है ना, ऑल ऑफ देम पिक कर दोगे, सब कुछ दो होने वाले हैं। स्मॉल टर्बाइन इंजन और एपीओ, स्मॉल टर्बाइन का हमने कहा डीसी वाला जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है स्टार्टर है वही यूज करेंगे, जहां भी स्मॉल के बाद आए स्मॉल एपीओ, स्मॉल टर्बाइन, स्मॉल और आपका ये भी इंजन जो रेसिप्रोकेटिंग है, सब जगह डीसी पे टिक कर देना, डीसी वाला ही है। पिस्टन इंजन को एनलार्ज कैसे करोगे, ये क्वेश्चन पूछा था, तो पिस्टन इंजन की साइज इनलार्ज कर दिए तो क्या करेंगे, सिलेंडर की साइज बढ़ा दो या फिर नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ा दो, दो तरीके हैं, है ना, सिलेंडर की साइज बढ़ा दो, ये पिस्टन इंजन की बढ़ाना है, पिस्टन इंजन बढ़ाना है, इनलार्ज करना है उसकी साइज। अब देखो वाल्व बढ़ाने से तो कुछ नहीं होता, ये वाल्व क्या है, ये तो बकवास बात है, वाल्व की साइज बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सिलेंडर की साइज बढ़ा दो तो पिस्टन इंजन का साइज बढ़ जाएगा, और सिलेंडर बढ़ा दो नंबर ऑफ सिलेंडर तो ज्यादा हो जाएगा साइज, सिंपल। तो दो बातें हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। 49 ये स्टार्टर, तो हमने बताया था कि असिस्ट करने की बात करें तो सेल्फ सस्टेनिंग टिक कर देना, मेंटेनेंस इग्नाइटर प्लग में तो हम लोगों ने देखा था ये सब होगा, कपलिंग एंड एक्साइटर एंड फर्स्ट इंसुलेटिंग टूल एंड फॉलो मैन्युफैक्चरर मैनुअल, रैपिड रिस्पांस वाला हम लोगों ने देख लिया था, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया टर्बो प्रोपेलर में यूज होते हैं, प्योर जेट में यूज होता है स्टैग्नेशन, यहाँ पे लिखा भी है। रैपिड रिस्पांस का आपका टाइमिंग हो जाएगा हाफ टू वन, है ना, और आपका स्टैग्नेशन का 1 to 2 रेस्पेक्टिवली लिखा है तो ध्यान रखना, रेस्पेक्टिवली समझते हो ना, जिस तरह से हिल का रेंज है उसी तरह से ये होता है, ठीक है ना, तो रेस्पेक्टिवली याद रखना। रैपिड रिस्पॉन्स है तो हाफ टू वन एंड देन स्टैग्नेशन है तो 1 to 2। कैपेसिटर क्या होता है तो एयर कूल्ड, जब इस तरह से था तो एयर कूल्ड टिक कर देना, देखो मैंने मेंशन कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन पे कभी कंफ्यूजन होता ना ही इंसुलेटर टिक करना ना ही ऑयल कूल्ड करना, इस तरह के क्वेश्चन आएगा ऑयल कूल्ड और इंसुलेटर दोनों को ही काट कर देना है। हीटर ओवरहीटिंग की बात कर रहे हैं ना तो एयर कूल्ड हो नहीं है। स्टार्टिंग टॉर्क एंड लाइट वेट एयर टर्बाइन, है ना, एयर टर्बाइन क्या होता है, हाई टॉर्क होता है और लाइट वेट होता है। शॉर्टिंग एंड आर्किंग हो रही है ना तो रिमूव कर दो फॉल्टिंग वायरिंग्स को, तो ओल्ड फॉर्म में एग्जैक्ट डिफरेंस मिलता है। इग्नाइटर प्लग देखते हो ना तो हम लोगों ने देखा था ना हजार्ड होता है, जब हजार्ड की बात करता है तो रेसिड्यूल करंट वोल्टेज की बात करते हैं, है ना, जब कॉन्टेक्ट विच बोलता है ना तब ये हम लोग हाई एनर्जी लेवल वोल्टेज विद द टर्बाइन इग्निशन सिस्टम, बताया था ना ये कब होता है, जो एग्जैक्ट लाइनिंग जब इसकी मिलती है, एक ये भी थी हाई एनर्जी लेवल एंड वोल्टेज विद टर्बाइन इग्निशन सिस्टम, ये कब बोलते हैं इसका देखो ध्यान रखो, इसे कब बोलते हैं, जब लाइन लिखी होती है आपको कि कॉज इंजरी और डेथ लिखता है, इस तरह से लिखता है, ये ऑप्शन आता है कि एसोसिएटेड विद टर्बाइन इग्निशन सिस्टम कैन कॉज एकदम जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना स्टार्टर वाला जस्ट शुरू में ही था, एकदम शुरू में आपका पहले पैरा में ही लिखा है, समझ पा रहे हो ना, रेसिडुअल था। हाँ दूसरी लाइन में देखो उसमें लिखा है रेसिडुअल हाई वोल्टेज एंड करंट इन इग्निशन सिस्टम कैन प्रेजेंट एंड इंजरी और डेथ में अकर इफ इट इज रिलीज्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी, हमने कहा था ना जब भी वो ह्यूमन बॉडी की बात करे तो आप रेसिडुअल करंट एंड वोल्टेज की बात करना, लेकिन जब वो इस तरह से बात करे क्या लिखेगा, कॉन्टेक्ट विद पर्सनल, जब पर्सनल लिख रहा है, जब पर्सनल लिखेगा तो इनकी बात करोगे पर्सनल, यही डिफरेंट है, वहां पे ह्यूमन बॉडी की बात करता है, यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट की बात करता है कि एक्टिवेटेड सिस्टम है उसे पर्सनल कॉन्टेक्ट करना है, जैसे कॉन्टेक्ट होगा तो हाई एनर्जी लेवल एंड वोल्टेज विद टर्बाइन इग्निशन सिस्टम, ये टिक करोगे ये आपको लॉस देगा। आप केवल प्रीवियस के हैं कुछ, और ये जो बातें हैं ये कल हम लोग कर लेंगे, और जो एमसीक्यूज है अभी कमी है हो जाएगा एक क्लास में, कल वाले क्लास में कवर कर लेंगे। बाय बाय।
बाय सर।